आ गए। हाँ आ गई है, ज्वाइन कर लिया। सर आप म्यूट हो। हाँ हाँ बस अब शुरू करते हैं 2 मिनट में। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग भाव सिद्धि काल। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि इस भाव का रिजल्ट या उस भाव का रिजल्ट हमको इस दशा में मिलेगा, तो हम लोग जितने भी रिजल्ट्स हैं वो दशा के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे कि किस दशा में हमें रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वो दशा के साथ साथ गोचर भी होना जरूरी होता है। अगर साथ में गोचर भी अच्छा हो तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। एक बार मैं ये फिर दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि गोचर सब कुछ नहीं है, दशा सब कुछ है। दशा से ही रिजल्ट मिलते हैं, बट गोचर से रिजल्ट के अंदर कमी पेशी होती है। अगर गोचर अच्छा हो तो रिजल्ट थोड़ा अच्छे तरीके से मिलता है, आपको खूब अच्छे तरह से खाना मिलता है, खूब अच्छे डिनर सेट में प्लेट में परोस से खाना मिलता है। अगर गोचर अच्छा ना हो तो आपको वही खाना जो है अच्छे बर्तनों में नहीं मिलता, तो आपको खाने में मजा नहीं आता। तो फर्क इतना ही पड़ता है खाली गोचर से, बट गोचर जो है वो खाना पहुंचाने वाला भी आपके पास है। एक तो गोचर ने आपके पास खाना पहुंचाना है, दूसरा उसने खाना किस तरीके से परोसना है आपको, वो भी चीज इसमें गोचर में ही आती है। तो गोचर इसलिए एक देता है, मैंने तभी बताया आपको कि 80% आप दशा को ही वेटेज दीजिए, 20% या 15% ही आप गोचर को वेटेज दीजिए। गोचर को आप फील कीजिए, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे एक बार फील कर लेना जरूरी है कि गोचर कैसा चल रहा है या कैसा नहीं चल रहा है। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रमा से गोचर कहाँ कहाँ किस भाव में अच्छा होता है या किस भाव में ठीक नहीं होता, उनके बारे में पढ़ा। कुछ और गोचर के पॉइंट पढ़े, तो आगे भी हम थोड़ा अभी हमारा गोचर चलेगा इसके अंदर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डिसाइड करें कि इस भाव के फल हमें कब मिलने वाले हैं या कब मिलने के चांसेस हैं। जैसे कोई सपोज कीजिए कोई किसी की शादी होती है या कोई किसी का विवाह है या किसी के कोई पुत्र होता है, संतान होती है, या कोई लेडी कभी कोई कंसीव होती है, तो उस दौरान दशा क्या थी, क्या दशा ऐसी थी जो कंसीव को सपोर्ट कर रही थी, नंबर वन, और क्या गोचर था जो कंसीव को सपोर्ट कर रहा था,
वो दोनों चीजें आपको देखनी है। इसी प्रकार से विवाह के केस में भी, जब विवाह हुआ तो क्या दशा थी जो विवाह को सपोर्ट कर रही थी, या विवाह जब हुआ तो क्या गोचर था जो सपोर्ट कर रहा था। तो ये सब चीजें हम लोगों को चेक करनी होती है, गोचर भी चेक करना होता है, वो भी चेक करना होता है, तो उसी से हमें मालूम चलता है। अब हमें ये तो मालूम चल जाता है कि भाई ये शुक्र की दशा है, इसमें विवाह हो जाएगा, लेकिन इसमें विवाह कब होगा, कब होने वाली जहां बात होती है, तो वहां हम इस भाव सिद्धि काल जो हमारा ये चैप्टर है आज का, इसका इस्तेमाल करते हैं और गोचर उसमें लगा के देखते हैं, तो हम ये बता पाते हैं कि इस तारीख के आसपास या इस समय के आसपास आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं, ज्यादा नहीं है। उन 6-7 पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेंगे तो आप भाव सिद्धि काल को समझ जाएंगे। बहुत ज्यादा पॉइंट इसमें नहीं है। इसमें वो कहता है कि भावेश जिस राशि और जिस अंश में हो, मान लिया कि आपको चौथे भाव का रिजल्ट चाहिए, तो उस भाव का स्वामी देखो किस राशि में बैठा है और कितनी डिग्री का है। जिस भी भाव का रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आपका दशा में चौथा भाव एक्टिव है और चौथे भाव का आप रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कब मिलेगा, तो भावेश जिस राशि में है, यानी उस भाव का स्वामी जिस राशि और जिस अंश में है, उससे त्रिकोण में जब लग्नेश आएगा गोचर में, उससे त्रिकोण में गोचर में जब लग्नेश आए, त्रिकोण मतलब उससे 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 जो त्रिकोण हमारे होते हैं, चार त्रिकोण, उन चार त्रिकोण में जब लग्नेश गोचर वश आएगा उसी अंश के आसपास, यानी भावेश जिस राशि और अंश में हो उससे त्रिकोण में गोचर वश लग्नेश आवे उसी अंश के आसपास, प्लस माइनस 5 डिग्री का फर्क अगर रहता है, तो हमें उस कार्य की प्राप्ति होती है, उस कार्य की सिद्धि होती है। पहला नियम तो इसके अंदर ये है भावेश और लग्नेश का, कि भावेश जिस राशि में हो उसके त्रिकोण में लग्नेश आवे। यानी सबसे पहले क्या करना है आपने, कि भावेश जिस राशि में है, जिस भाव के रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं, उस भाव को आप फिक्स कर लीजिए, उस भावेश को आप फिक्स कर लीजिए और लग्नेश को घुमाइए गोचर में, और लग्नेश को घुमाए गोचर में देखिए क्या उसके त्रिकोण में आता है। यहां पर एक चीज और जुड़ जाती है जो शास्त्र में नहीं दी गई है लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस में आई है, वो चीज कि उसमें भी भाव सिद्धि काल लगता है कि त्रिकोण में आ जाए या सम सप्तक में आ जाए। तो जहां मैं त्रिकोण बोलूं वहां पे आप सम सप्तक भी समझ लीजिए कि उसके सम सप्तक में भी आ गया तो भी आपकी सिद्धि हो जाती है। सम सप्तक माने मतलब उसके सामने आ जाए, उसके सामने आ जाए या दोनों एक घर में हो जाए या उसके सामने बिल्कुल आ जाए, ठीक है। तो भावेश जिस राशि और अंश में हो उसके त्रिकोण में गोचर आए या सम सप्तक में गोचर आ जाए, लग्नेश आ जाए, या अब क्या करते हैं, अब लग्नेश को फिक्स कर देते हैं, लग्नेश जिस राशि में है या जिस अंश में है, अब भावेश को घुमाते हैं, उसके त्रिकोण में जब गोचर वश भावेश आवे तब कार्य सिद्ध होता है। पहले केस में तो हमने भावेश को फिक्स कर दिया और लग्नेश को घुमाया, तो देखा कि जब भावेश जिस राशि में है उस राशि के आसपास लग्नेश जब आएगा गोचर में त्रिकोण में तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। दूसरे केस में हमने लग्नेश को फिक्स कर लिया कि लग्नेश जिस राशि में और अंश में है उसके त्रिकोण में जब गोचर वश भावेश आएगा, उसके त्रिकोण में या समसप्तक में भावेश जब आएगा उसकी डिग्री के आसपास, तो कार्य सिद्ध होगा। तीसरा है जब लग्नेश और भावेश गोचर वश एक दूसरे को देख ले या एक दूसरे से युक्त हो जाए, जैसे मैंने बताया समसप्तक वाला आपको, जैसे आकांक्षा ने पूछा कि एक साथ आ जाए लग्नेश और भावेश, तो भी कार्य सिद्ध हो जाता है कि लग्नेश और भावेश जिस भाव के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं उस भाव का स्वामी और लग्नेश अगर दोनों गोचर में एक दूसरे को देख लें या एक दूसरे से मिल जाएं तो भी कार्य की सिद्धि होती है। आपको कार्य सिद्ध समझना चाहिए कि इस दौरान आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। दूसरा इसमें यह है सर, ये 100% काम करता है, मैंने अपनी बेटी की कुंडली में देखा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% उसका जॉब का टाइम साथ हो, गोचर के लग्नेश वो साथ आ गए तो भविष्य उसकी जॉब लग गई। ये बहुत काम करता है, ये बहुत अच्छी चीज है भाव सिद्धि काल। आप किसी भी चीज में लगाएंगे आपका भाव सिद्धि काल लगेगा, कहीं उसमें दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा इसके अंदर एक चीज ये है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये स्लाइड थोड़ा सा ये हो गई है। हाँ
कि जब भाव कारक, अब देखिए अभी तक तो हमने क्या करा कि पहले भावेश को फिक्स किया, लग्नेश को घुमाया, फिर लग्नेश को फिक्स किया, भावेश को घुमाया। अब हमने कहा कि लग्नेश और भावेश एक दूसरे के साथ आ जाएं या एक दूसरे के समसप्तक में आ जाएं, एक दूसरे से युक्त हो या एक दूसरे को देख लें, तीन तो ये हो गए नियम हमारे। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम ये है कि जब भाव कारक यानी जिस भाव के रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं उसका कारक, उसका कारक जिस भाव के रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, सपोज हम पांचवे भाव के रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो गुरु, चौथे भाव के रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा, तीसरे भाव के रिजल्ट बात कर रहे हैं तो मंगल। तो कहने का मतलब ये है जब भाव कारक गोचर वश उस स्थान में आए जहां जन्म कुंडली में लग्नेश हो, भाव कारक गोचर में उस कुंडली स्थान में आता है जहां लग्नेश हो तो भी कार्य सिद्ध होता है। एक ये नियम भी इसके अंदर है कि भाव कारक का भी आपको देखना चाहिए कि भावेश ही नहीं कि भाव कारक भी अगर गोचर में जहां लग्नेश है वहां पर आ गया तो कार्य सिद्ध होगा, लग्नेश है या चंद्रमा राशि का स्वामी भी वहां पर है तो भी कार्य सिद्ध होगा। ये नियम है इसके अंदर कि जब भाव कारक गोचर वश उस स्थान में आए जहां जन्म कुंडली में लग्नेश हो या चंद्रमा राशि का स्वामी हो तो भी कार्य सिद्ध होता है। ये चार नियम। हाँ बोलिए। ये लास्ट है वो आप जरा ड्रॉ करके दिखाएंगे। अच्छा मैं दिखाता हूँ। अब जैसे मान लिया, आप सपोज कीजिए कि हम इस चौथे भाव की बात कर रहे हैं, दशा चल रही है और हम ये देख रहे हैं कि संतान कब होगी, सपोज ये चल दिख रहे हैं तो संतान वाला भाव हमारा 1 2 3 4 5 संतान वाला भाव हमारा ये हो गया। अब दशा चल रही है, हमने देखा कि संतान के लिए दशा तो चल रही है, दशा कौन सी चलनी वाली होनी चाहिए, दशा चलने वाली होनी चाहिए कि जो संतान भाव में ग्रह बैठा हो या संतान भाव का स्वामी उसकी गुरु दशा के, हो, या गुरु या की दशा, या गुरु की दशा हो या संतान भाव को देखने वाले ग्रह की दशा हो या सूर्य की दशा हो क्योंकि सूर्य कालपुरुषी कुंडली में संतान भाव का मालिक होता है, ठीक है, या D7 में बैठे हुए, D7 चार्ट जो होता है उसके लग्न में बैठे हुए ग्रह की दशा हो, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, D7 जब पढ़ाऊंगा मैं आपको सप्तांश चार्ट उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला। तो पहले तो ये क्लियर करना है कि दशा है या नहीं। अब दशा है, अब आपको मालूम चला कि भाई इस भाव के रिजल्ट हमें कब मिलेंगे ये हमें चेक करना है। आपका दशा का मतलब अंतर दशा, बराबर है? अंतर दशा, बिल्कुल अंतर दशा। अब आपको ये चेक करना है कि इस भाव के रिजल्ट कब मिलेंगे। तो इस भाव का कारक कौन है? गुरु है। इस भाव का कारक हो गया गुरु। और लग्नेश कौन हो गया? मंगल। तो एक तरीका ये भी है कि गुरु और मंगल दोनों साथ आ जाएं। अगर मान लिया मंगल यही बैठा है, सपोज कीजिए, ये लग्न का मंगल या गोचर का मंगल, मैं बताता हूं आपको, ये गोचर कुंडली का देखना है आपको दोनों। गोचर कुंडली का देखना है कि गोचर कुंडली का जो मंगल है वो आपका, मतलब जो बेसिकली क्या है, D1 चार्ट का लग्नेश आपको डिसाइड कर लेना है कौन था। D1 चार्ट का लग्नेश आपने डिसाइड कर लिया कि ये मंगल है, सपोज कीजिए D1 चार्ट का। अब आप ये देखिए कि जो पांचवे भाव के रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो पांचवे भाव का कारक कौन है। आपने देखा पांचवे भाव का कारक होता है गुरु। गुरु। अब आपको गोचर में ये देखना है कि गुरु और मंगल एक साथ आ जाए, एक दूसरे के सामने आ जाए। बस इतना चेक करना है आपको। ठीक है ना, जैसे गुरु और मंगल दोनों एक साथ सामने सामने आ गए तो ये आपका सिद्धांत बन गया गोचर के अंदर।
आपको डी वन चार्ट का यूज सिर्फ इतना करना है कि वहां से आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कारक कौन है और लगन कौन है, बस उसके बाद आपको गोचर कुंडली देखनी है। सर कारक तो डी वन के देखे बिना भी तो जिस भाव का देखना है वही स्थिर कारक ही देखना है ना, वही स्थिर कारक तो सिर्फ सिर्फ लग्नेश के लिए हमको डी वन का वो हेल्प लेना है, डी वन का लग्नेश का आपको देखना है और कोई देखना नहीं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे नियम है। इसके अलावा हमारा एक नियम और होता है कि जब लग्नेश गोचरवश उस भाव में आए, जब लग्नेश गोचरवश उस भाव में आए जिस भाव संबंधी विचार करना हो, सपोज कीजिए कि आपको पांचवें भाव का ही विचार करना है, संतान का ही विचार करना है, तो जब लग्नेश गोचरवश आपका संतान भाव में आ जाता है तो भी प्राप्ति होती है रिजल्ट की। ये पांच टोटल नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। सर ये चंद्र लग्न से भी लेना है, दोनों हाँ, में देखना है। तो ये तो आपका फोर्थ पॉइंट जो था उसमें हाँ, जो चंद्रमा राशि का स्वामी हो उसका क्या वो तो लगन से ही चल रहा है, अभी तो लगन से चल रहा है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं है। आप देखिए फोर्थ पॉइंट आप देखिए, जहाँ लग्न जहाँ जन्म कुंडली में लग्नेश या चंद्रमा राशि का स्वामी हो हाँ, तो वो चंद्रमा राशि का स्वामी हो, वो जहाँ चंद्रमा बैठा है उस राशि का स्वामी जो भी होगा तो वहां पर भी गुरु जैसे हमने कारक देखा गोचर में आएगा तो हो जाएगा। ओके, वहां पर भी हो जाएगा। ये तो था लगन के हिसाब से जो था, तो ये कहते हैं कि इस तरीके से आपको ये नियम चंद्र लगन से भी लगाना चाहिए कुंडली को। जब अगर आपको लगन से ये रिजल्ट ना मिल रहा हो, भाव सिद्धि काल ना मिल रहा हो, तो आप एक बार चंद्र लगन से भी ट्राई कर लीजिए कि चंद्रमा को लगन बना लीजिए जो है, फिर उसके हिसाब से कुंडली बनाइए कि अब लग्नेश कौन हुआ, अब आपका भावेश कौन हुआ, उसके हिसाब से ट्राई कीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई कुंडली है जिसका लगन और चंद्रमा लगन दोनों एक ही है, मान लीजिए वृश्चिक लगन की कुंडली है और मून जो है लगन में ही है तो उसकी एक ही कुंडली होगी, ठीक है, और उसको भाव उसको फोर्थ हाउस का विचार करना है, मान लीजिए उसे जमीन लेनी है, ठीक है। अब स्वामी जो हुआ उस कुंडली का वो हुआ मंगल और फोर्थ हाउस का स्वामी हुआ शनि, ठीक है, और गोचर वश मंगल और शनि मान लीजिए एक ही साथ हैं, एक साथ आ गए और फोर्थ हाउस में ही हैं, हाँ, और वीनस की दशा चल रही है, हाँ, तो वीनस की दशा है तो वीनस वहां का चर कारक होगा फोर्थ हाउस का। नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो ऐसे नहीं। आपका मतलब कहने का ये है कि आपका पॉइंट आ रहा है आगे, एक सेकंड के लिए बस, अभी इस स्लाइड के बाद आप ही का पॉइंट है, वो देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा, तो वो समझ आ जाएगा, नहीं अगर समझ में आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ये पॉइंट आप जो कह रही हैं 70% ठीक कह रही हैं, 30% थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, वो मैं आपको बता दूंगा क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें ये देखना है कि किसी भाव के शुभ रिजल्ट कब मिलेंगे। एक सबसे बड़ी चीज होती है कि भाव संबंधी शुभ फल कब होंगे। आपको जैसे ये देखना है कि भाई मुझे मकान खरीदना है, चौथे भाव के रिजल्ट मुझे शुभ फल कब मिलेंगे मकान खरीदने के। जैसे आप ही का एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे चौथे भाव के शुभ फल मुझे कब मिलेंगे, तो आपको उसके लिए एक तरीका ये भी है कि चौथे भाव का स्वामी जिस राशि में है, कुंडली में डीवन चार्ट में चौथे भाव का स्वामी जिस राशि में है, उस राशि में या उसके त्रिकोण में अगर बृहस्पति गोचर में आए तो आपको उस भाव संबंधी शुभ फल मिलता है। आपको देखना है कि भाई नौकरी कब लगेगी, लेकिन एक चीज जरूरी है कि आपका चौथा भाव दशा में एक्टिव होना चाहिए। तो सर वही मैं समझना चाह रही हूँ कि हाँ, मुझे ये पता है कि वहां का जो ऑब्वियसली वो क्योंकि वृश्चिक लगन है तो फोर्थ हाउस शनि का घर हो गया, हाँ, शनि भी जमीन का कारक होते हैं, फिर अगर वहां पे गोचर वश मंगल आ रहा है तो मंगल भी वहां के कारक होते हैं और वीनस भी वहां के चर कारक होते हैं, राइट, हाँ, और वीनस की हाँ, दिशा चल रही हो हाँ, तो उस वक्त ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ मिलेगा जब हाँ, जुपिटर की जो आप बात करें अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है। ये देखिए आपका पॉइंट ले लेते हैं,
या तो आप ठीक कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा बाय चांस। मुझे बस इतना समझना सर कि क्योंकि जैसे शनि और मंगल जो है ना दोनों दुश्मन होते हैं। हाँ। तो अगर मंगल और शनि फोर्थ हाउस में साथ में है गोचर में, हाँ, तो मतलब जमीन या मकान आसानी कार्य सिद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी आपकी। अच्छा, कार्य सिद्धि होगी। हाँ हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो शत्रु हैं आपस में या क्या है। ओके। एक दूसरे के समसप्तक में आ जाए, एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, या एक दूसरे से त्रिकोण में आ जाए, तो कार्य सिद्धि आपकी होगी। अभी हम कोई एग्जाम्पल भी लगा लेंगे, आप ही का कोई एग्जाम्पल लगा लेंगे। आप कुंडली ही ले लीजिए मेरे समझ। हाँ, कुंडली ले लेंगे अभी, उस कुंडली से हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना, गोचर चेक कर लेंगे ये वाला, एक बार नियम देख लीजिए, फिर उस कुंडली से ही हम लोग चेक कर लेते हैं जी। वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कुंडली से हम लोग चेक कर लें डायरेक्टली। तो इसमें एक ये भी है नियम कि किसी भाव के शुभ फल कब मिलेंगे। जब हम किसी भाव के शुभ फल की बात करते हैं, देखिए शास्त्रों में इस नियम का जो दिया गया है ये केवल शुभ फलों के लिए दिया गया है। कि अगर आपको किसी भाव के स्पेसिफिकली शुभ फल की बात करनी है, किसी भाव संबंधी काम कब होगा, चाहे वो अशुभ हो चाहे वो शुभ हो, तो बाकी नियम हो गए हमारे पांच, वो जो नियम हमने बताए ऊपर। लेकिन किसी भाव संबंधी शुभ कार्यों की आपको बात करनी है कि इस भाव के जो शुभ रिजल्ट है वो कब मिलेंगे। बारहवें भाव के शुभ रिजल्ट क्या, कि भाई हमारा वीजा कब लग जाएगा। दसवें भाव का शुभ रिजल्ट क्या, कि भाई हमारी नौकरी कब लग जाएगी। चौथे भाव का शुभ रिजल्ट क्या, हमें मकान कब मिल जाएगा। सातवें भाव का शुभ रिजल्ट क्या, कि हमारा विवाह कब हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम किसी भाव के शुभ फलों की बात करते हैं कि इस भाव के शुभ फल कब मिलेंगे, तो उसके लिए ये देखना जरूरी है कि उस भाव का स्वामी कुंडली में किस राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में वो बैठा हो, जब भी गोचर में बृहस्पति उस राशि या उस अंश से त्रिकोण में आएगा तो उस भाव के शुभ फल मिलेंगे। आप जो भी उस भाव के शुभ फल हैं वो आपको मिलेंगे। अगर चौथे भाव की दशा चल रही है तो मकान की प्राप्ति आपको होगी। चौथा भाव एक्टिव है और चौथे भाव को आप देख रहे हैं, और चौथे भाव का स्वामी आपका मान लिया बैठा हुआ है, सपोज कीजिए मेष राशि में चौथे भाव का स्वामी, तो चौथे भाव का स्वामी मेष राशि में बैठा हुआ है, तो उसका त्रिकोण हुआ मेष सिंह धनु। तो मेष सिंह धनु पे जब भी बृहस्पति आएगा तो उस भाव के रिजल्ट हमें शुभ रिजल्ट हमें मिलेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां तक समझ में आया। हाँ। अच्छा, अब ले लेते हैं आगे। इसमें एक चीज और भी है, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, बृहस्पति वाला, ये किसी भी भाव के शुभ फलों के लिए बात करते हैं। नॉर्मली जब पूछते हैं ना कि जी हमारी पीआर कब लग जाएगी या हमारा वीजा कब लग जाएगा, उस केस में इस पॉइंट का बहुत इस्तेमाल होता है। अगर उसने वीजा अप्लाई किया हुआ है और दशा चल रही है बारहवें भाव की और सब कुछ है, तो हम बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा वीजा कब लग जाएगा या कब क्या वो सब चीजें हो जाएगी इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट वाला। उसके बाद ये कहते हैं, एक पॉइंट इसमें ये भी है कि जब गोचर में, अब आप गोचर कुंडली ले लीजिए खाली, अब गोचर कुंडली की बात कर रहे हैं। गोचर कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश यानी लगन का लॉर्ड और छठे भाव का स्वामी अगर एक साथ मिल जाए तो क्या होगा। गोचर कुंडली में लग्नेश और छठे भाव का स्वामी अगर एक साथ मिल गए तो ये देखना पड़ेगा कि लग्नेश की बजाय अगर षष्ठेश दुर्बल है तो जातक के वश में शत्रु आ जाता है। यदि लग्नेश की बजाय षष्ठेश बली हो तो जातक स्वयं शत्रु के वश में हो जाता है। ये बली कहाँ देखना है आपको, ये गोचर कुंडली में देखना है। अगर लग्नेश और षष्ठेश का योग हो जाए कुंडली के अंदर, फर्स्ट लॉर्ड बैठा हुआ है और सिक्स्थ लॉर्ड बैठा हुआ है, दोनों का योग हो गया, तो आप ये चेक कीजिए कि दोनों में से बली कौन है, दोनों में से ज्यादा पीड़ित कौन है, ये चेक कर लीजिए। तो जो ज्यादा पीड़ित होगा वो कमजोर होगा, कोई जो शत्रु राशि में बैठा हो या पाप ग्रहों से ग्रस्त हो या नीच राशि में बैठा हो तो वो कमजोर होगा। तो उनमें से कमजोर डिसाइड कर लीजिए। अगर षष्ठेश कमजोर होगा आपका छठे भाव का स्वामी, तो शत्रु जो भी होंगे आपके वो आपके वश में आ जाएंगे उस टाइम पे, और अगर वो षष्ठेश बली होगा तो आप शत्रुओं के वश में आ जाओगे। ये ध्यान रखिए, इस तरह की जो पॉलिटिक्स वगैरह चलती हैं नौकरी के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, उसमें ये सब चीजें बहुत काम में आती हैं। तो सर वृश्चिक लगन में तो लग्नेश और सिक्स हाउस का स्वामी एक ही हुआ। हाँ, वृश्चिक लगन में आपका लग्नेश जैसे मंगल हुआ ना जी, और सिक्स हाउस का स्वामी भी एक ही हुआ, तो वहां पर ही एक प्रॉब्लम, यहाँ पर वहां पर ये परसिस्ट नहीं करेगी वहां पर प्रॉब्लम ये वाली, क्योंकि ये वहां दिक्कत करेगी जहां पे लग्नेश और षष्ठेश दोनों अलग अलग ग्रह हैं।
ठीक है, तो दोनों में पीड़ित किया। आपका लग्नेश और सस्तेश मान लिया एक ही ग्रह है और वो पीड़ित है, तो सीधी सी बात है कि आप वैसे ही शत्रुओं के वश में हैं, पीड़ित ग्रह हो गया, आपका लग्नेश ही पीड़ित हो गया, आपका सिक्सल भी पीड़ित हो गया, और दोनों ही या तो मजबूत होगा या पीड़ित होगा, एक ही काम होगा उसके अंदर दोनों में से। और सर ये कैसे पता चलेगा कि वो पीड़ित है, कि क्योंकि दोनों एक ही हैं तो कैसे हम बल डिसाइड करेंगे? हाँ नहीं, जैसे वो है ना, वो एक दूसरे से पीड़ित नहीं होंगे ना, वो दूसरे ग्रहों से पीड़ित होंगे। मान लो सैटर्न है या मंगल है या जो भी, मतलब अदर देन दिस है, ऐसा आप समझ लीजिए ना। तो सर मेरे समझ से फिर आप मेरी वाली कुंडली लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी ले लेते हैं कुंडली। इसके बाद ये पॉइंट तो आप देख लीजिएगा, इसमें इस पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉइंट तो पड़ा हुआ है इसके अंदर, लेकिन इससे कुछ ऐसी चीज नहीं है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपका पॉइंट था आकांक्षा कि कोई मनुष्य मकान खरीदने वाला है या भूमि खरीदने वाला है और वो प्रश्न करता है कि भाई उसको कब ग्रह लाभ होगा या कब उसको भूमि लाभ होगा जी। तो एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको पीछे बताया कि ये चेक करिए कि उस भाव का स्वामी किस राशि में बैठा है, तो उस राशि के त्रिकोण में या सप्तक में बृहस्पति आए तो उस भाव के शुभ फल मिलते हैं, ये याद हो गया जी। एक नियम तो ये है। दूसरा नियम ये है कि आप ये चेक कीजिए कि जन्म कुंडली में जो लग्नेश आपका है और चतुर्थेश जो आपका है उसका गोचर में योग होने वाला है क्या। गोचर में अगर कुंडली में वो दूसरे से मिलने वाले हैं तो भी इन फलों की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कोई मनुष्य मकान खरीदने वाला है और प्रश्न करता है कि कब मुझे भूमि का लाभ मिलेगा या कब मैं अपना मकान खरीद पाऊंगा, तो आप देखिए कि जन्म कुंडली का जो लग्नेश है और जन्म कुंडली का जो चतुर्थेश है जो मकान और प्रॉपर्टी की बात करता है, वो दोनों गोचर कुंडली में कब मिलने वाले हैं, गोचर में जब वो मिलने वाले हैं और दशा चल रही है, चौथा भाव एक्टिव है, तो कार्य सिद्ध होता है। लेकिन चौथा भाव एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दशा तो चल ही रही है और आप कह रहे हो लग्नेश और चतुर्थेश मिल गया तो मुझे मकान मिल जाएगा, ऐसा नहीं। चौथा भाव आपका दशा में एक्टिव होना चाहिए, यानी जिस ग्रह की दशा चल रही है या तो वो चौथे भाव में बैठा हो या वो चौथे भाव को देख रहा हो या वो चौथे भाव का स्वामी। तो सर ये जैसे अभी रिसेंटली जो है शनि और मंगल जो है साथ में थे चौथे घर में गोचर में, लेकिन ऑब्वियसली दशा नहीं चल रही थी, दशा जो है वो राहु वीनस और मरकरी की थी। तो चौथा घर आपका एक्टिव था क्या? नहीं, एक्टिव नहीं रहा होगा। हाँ, नहीं रहा दशा, अंतर दशा है और राहु की सॉरी वीनस की महादशा है, राहु की अंतर दशा है और मरकरी की प्रत्यंतर दशा है। उसमें से किसी का फोर्थ पे दृष्टि थी? वही मैं देख रही हूँ, राहु की भी नहीं थी, वीनस की, वीनस जो है लगभग जैसे नहीं, वीनस की भी नहीं थी। हाँ तो वही रीजन हुआ ना, क्योंकि वो भाव एक्टिव नहीं हुआ इसलिए उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। भाव भी एक्टिव होना जरूरी है ना, दशा तो जरूरी है। देखिए गोचर जो है आपको चीजें, दशा बेसिकली आपके लिए चीज बनाती है, आपके लिए खाना तैयार करती है, दशा करती है। गोचर केवल उसको पकड़ा देता है, आपको परोसने वाला आदमी है कि ढंग से परोस दिया और आपको खाना दे दिया। अब दशा ही नहीं है खाना बनाने वाली तो गोचर कहां से लाएगा, तो गोचर का तो यही खाली आपको देखना है, ठीक है ना। लेकिन सर दोनों का वो मतलब तालमेल होना जरूरी है ना, खाना जरूरी है, पड़ा हुआ है लेकिन गोचर नहीं है तो खाना मुझे मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। गोचर है और दशा नहीं है तो खाना बना ही नहीं है, तो देने वाले हैं लेकिन है ही नहीं तो कौन देगा, कहाँ से आएगा, मतलब क्या देगा। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों का तालमेल जरूरी है। दोनों मतलब आप मान लो दशा एक्टिव और गोचर में फेवरेबल गोचर, ये दो होगा तभी रिजल्ट मिलेगा या जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। सर कुंडली लेंगे हम लोग, देखते हैं कि पहले दिन हुआ या कब होगा। हाँ कुंडली लेते हैं, अभी लेते हैं कुंडली। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। अंकुर, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आज के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिकॉर्डिंग देख लेना तुम्हें याद हो जाएंगे। अच्छा अभी इसके अंदर हम लोगों ने चौथे भाव में बात करी कि जब लग्नेश और चतुर्थेश का योग हो तो ग्रह लाभ या भूमि लाभ होगा, किंतु यह सभी संभव तभी है जब एक तो फोर्थ लॉर्ड भी बलवान होना चाहिए। भावेश अगर बलवान नहीं है, बहुत पीड़ित है, तो भी कार्य सिद्धि नहीं हो पाती, और दशा अंतर दशा का विचार भी कर लेना चाहिए। दो चीज हमारी इसमें
कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये कि भाव एक्टिव होना चाहिए, और नंबर दो भावेश थोड़ा मजबूत होना चाहिए, बहुत पीड़ित ना हो, तो 100% रिजल्ट मिलते हैं फिर इस चीज के। समझ में आया कहां चाहिए? जी सर। हाँ अच्छा, अभी हम कुंडली लेते हैं, इसके बाद जब हमारा ये खत्म हो जाएगा तो कुंडली हम ले लेंगे। जी सर। अब एक चीज देखिए इसके अंदर कि महादशा, ये महादशा स्वामी जहां लिखा है उसको आप अंतर्दशा समझ लीजिए, क्योंकि मैंने स्वामी महादशा स्वामी लिख दिया इसके अंदर, दशा का स्वामी मीन्स अंतर्दशा स्वामी। अगर अंतर्दशा का स्वामी जो है जन्म कुंडली में बलवान है, लगन से गोचर बता रहा हूं मैं, देखिए आप ये ध्यान रखिए, मिघला देसाई वो नहीं है आज गोस्वामी जी, वो भूल कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलिए ठीक है, गोस्वामी जी तो है सर, अनिल जी, अनिल गोस्वामी जी है, हाँ दिख तो रहा है सर यहाँ पर पार्टिसिपेंट में। अच्छा, पता नहीं शायद म्यूट कर रखा होगा उन्होंने अपने आप को। जी जी हाँ, तो इसमें यह है कि अगर अंतरदशा स्वामी यदि जन्म कुंडली में बलवान हो, जन्म कुंडली में बलवान कैसे निकालोगे आप, उच्च राशि में बैठा हो, स्वय राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, शुभ ग्रह उसको देखते हो, तो आपने देख लिया कि जो आपकी जिसकी दशा चल रही है वो जन्म कुंडली में बलवान। नमस्कार सर, नमस्कार सर, हाँ नमस्कार नमस्कार, ये वो लगन से वाला पढ़ा रहा हूँ आपको, ज्यादा ध्यान रखिए इसका। जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ ध्यान से जी। हाँ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है सर, एक दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, आप एक्सप्लेन कर दीजिए सर, वो बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी जी सर, जी सर। तो दशा स्वामी यदि जन्म कुंडली में बलवान हो, जिस भी ग्रह की दशा है यदि वो जन्म कुंडली में बलवान है, तो उसकी दशा के समय जब भी गोचर में वो अपनी उच्च राशि, स्वय राशि या मित्र राशि में रहता हुआ लगन से जिस भाव में भ्रमण करेगा उस भाव की पुष्टि करेगा। अब देखिए आप, हो सकता है कि चंद्रमा से गोचर मैच ना करता हो इसका, चंद्रमा से गोचर जैसे हमने बताया कि सूर्य गोचर कौन सा अच्छा होता है, 3, 6, 10, 11, तो सूर्य का गोचर 3, 6, 10, 11 में है तो हम कहते हैं जी गोचर अच्छा है, सूर्य गोचर 3, 6, 10, 11 भाव में नहीं है तो हम कहते हैं जी गोचर अच्छा नहीं है। सर एक मिनट, सर इस पे एक क्वेश्चन है, आपने बोल रहा चंद्र से 3, 6, 10, 11 देखना है, तो फिर ये लग्न से हम जब गोचर देखते तभी सेम भाव मतलब वो हाउस रहेंगे, 3, 6, 10, 11 ही रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना, आपकी बात में समझ गया आप क्या कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गोचर दो तरीके हैं देखने के, एक चंद्र से एक लगन से, जन्म राशि जहां आपकी जन्मकालीन चंद्रमा है वहां से, यानी जहां राशि है वहां चंद्रमा को लगन बना के देखते हैं गोचर एक, तो और एक ही कहते हैं कि जो हमारा लगन है उससे गोचर देखना, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये लगन से गोचर की बात कर रहे हैं, इसमें चंद्र राशि से गोचर की बात नहीं कर रहे, इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि कोई ग्रह यदि जन्म कुंडली में बलवान है और उसकी अंतर्दशा चल रही है, तो वो लगन से गोचर कुंडली में जिस भी भाव में भ्रमण करेगा अपनी मित्र राशि में रहते हुए या स्वय राशि में रहते हुए या उच्च राशि में रहते हुए, तो उस भाव का वृद्धि करेगा। हाँ लेकिन मेरा जो क्वेश्चन क्या था सर, हाँ बोलिए बोलिए, कि आप जैसे आपने बताया लास्ट टाइम जो दिया था कि सूर्य है, राहु है, केतु है, वो 3, 6, 10, 11 में जाएंगे, चंद्र से, हाँ, चंद्र से गोचर में, हाँ, तो वो अच्छे फल देते हैं, जो फल दीपिका में भी वैसा ही लिखा है, बिल्कुल बराबर है। हाँ, अब मान लो आपने बताया जैसे कि हमको लग्न से देखना है गोचर, अब मैं लग्न से गोचर देख रहा हूँ, तब वो जो भी है वो लग्न से 3, 6, 10, 11 भाव में जाएंगे, तब वो देखना है? ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, लगन से 3, 6, 10, 11 भाव में नहीं देखना आपको, तो लग्न से कैसे पता चलेगा कि वो गोचर अच्छा है किसी भी जिस भाव में भी गोचर कर रहे हैं वो, मैं यही आपसे बोल रहा हूँ ना कि आपका दशा स्वामी कुंडली में अगर बलवान है, सपोज कीजिए कि आपकी शनि की दशा है और शनि कुंडली में आपके बलवान है, मतलब अनुकूल ग्रह है और अच्छी जगह बैठा है, शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, और वो गोचर में छठे भाव में गोचर कर रहा है, आपकी लगन जो लगन कुंडली है उसी का लगन ले लीजिए और छठे भाव में गोचर कर रहा है, तो वो छठे भाव की वृद्धि करेगा, हो सकता है वो छठा भाव आपकी चंद्र राशि से कोई और हो, सातवां हो या नवा हो, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भैया ये गोचर खराब हो गया, क्योंकि चंद्र राशि से खराब है, वो लगन से भी देख सकते हैं गोचर को, अगर लगन से वो अच्छा है तो वो भी अच्छा माना जाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
अब मान लो ये जो नीचे है यहाँ पे सूर्य इनके इस जो कन्या लग्न है उसके लिए 12वें भाव का है तो अच्छा नहीं है फॉर दिस, बराबर है कन्या लग्न के लिए। अब तो फिर ये सूर्य का गोचर तो सब भाव में खराबी हुआ, जिस भाव में जाएगा अगर सूर्य गोचर में पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है आपका जन्म कुंडली के अंदर, बलवान नहीं है, बलहीन है, आपकी सूर्य की दशा है, सूर्य आपका एक तो 12वें भाव का स्वामी है लेकिन बैठा त्रिकोण में है तो वो तो अच्छा हो गया ना, पोजिशन अच्छा। भी देखनी है आपने उसकी, आपको ये देखना है कि वो पीड़ित है क्या। अब बैठ भी 8वें भाव में गया जाके, वो 12वें भाव का स्वामी है, 6वें 8वें में जाके बैठ गया नीचे और दो तीन जो तीन अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हो गया तो आप कहेंगे हाँ भाई ये तो बहुत पीड़ित हो गया। अब सूर्य पीड़ित हो गया तो जिस भी भाव में वो जाएगा लगन से गोचर में उस भाव की हानि करेगा। लेकिन अब मान लो कि सूर्य के साथ मंगल है और सूर्य के साथ गुरु भी उच्च का गुरु है और वो 11वें भाव में जाके बैठा है तो फिर इसको क्या, इसका स्टेटस क्या गिने? नहीं बताइए, सोचिए इसमें क्या होगा। मैं देखिए जैसे उच्च का गुरु है उसके साथ सूर्य है 11वें भाव में है मतलब लाभ भाव में है तो सोचे तो फिर ये अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा हुआ। हाँ तो अच्छा तो हुआ ये, क्योंकि 11वें में तो वैसे भी अच्छा रहता है, लाभ भाव है तो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पहले सर मेरा ये मानना कि जो जन्म कुंडली में ग्रह हमारे शुभ है वो गोचर में कहीं भी जाएंगे वो शुभ फल ही देंगे, अगर 6-8 बार में जाएंगे तो बस यह है कि वहां पर शुभ तो नहीं करेंगे लेकिन अशुभ भी नहीं करेंगे अगर वो कुंडली का कारक है तो बिल्कुल सही है। और यदि कुंडली का मारक ग्रह है तो गोचर में वो कहीं भी जाए वो नुकसान नहीं करेंगे लेकिन 6-8 बार में जाएंगे तो ज्यादा नुकसान करेंगे। नहीं तो फिर तो इस हिसाब से तो देखने जाओ तो जिस आदमी का सूर्य खराब है या ये इस तो वो तो ये प्लेनेट तो 12 भाव में कभी ना कभी तो जाते ही रहते हैं, वो तो पूरी जिंदगी जाते रहते हैं तो पूरी जिंदगी क्या उसको खराब ही मिलता है ऐसा तो देखिए ना, वो भाव में वो भाव दशा में एक्टिव होना चाहिए, दशा जरूरी है। मैं तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ ना, आप इस सूर्य का आप क्या स्टेटस गिनेंगे जो मैंने बताया, जैसे ये बता रहे हैं उस हिसाब से तो सूर्य खराब ही है तो अब मान लो वो 11वें भाव में गया और 11वां भाव एक्टिव है। देखिए मैं आपका ये लगा लेता हूँ, कुंडली लगा लेता हूँ आप जो बोलना चाह रहे हैं ना, एक सेकेंड। यार ये सारा पेन बड़ा अजीब है। आप एक काम करिए ना, आपके वहाँ आपके वहाँ वो कुंडली वो पराशर लाइट चालू कर दीजिए, एक ही मिनट में मिल जाएगा आपको। अच्छा ठीक है, है वो कुंडली आपके वहाँ पे, हमने स्टोर की हुई। कुंडली खोले क्या, नहीं बनाए? नहीं बनाने नहीं, आपने मेरे लड़के की स्टोर की है तो वही है, सेम बता पूछ रहा हूँ जो क्वेश्चन है वो। नाम क्या है उसका? क्या कृपांश? कृपांश, अच्छा शायद देखता हूँ ओपन। के आर यू नहीं इसमें नहीं है, बना लेते हैं एक सेकंड, कितना टाइम लगेगा कोई दिक्कत। ऐसे सेव ही कर लेता हूँ ना, आप लोगों की कुंडली थोड़ा याद रहेगा हमेशा। KRU PANSH कृपांश, ठीक है बराबर है, सरनेम लिख दीजिए ज्यादा याद रहेगा आपको। नहीं याद रहेगा, कृपांश से याद रहेगा, नाम बहुत यूनिक नाम है। दिनांक क्या है? दिनांक उसका 5 अगस्त 2002। सुबह के 11:10
गुजरात गुजरात वडोदरा गुजरात वडोदरा हाँ, अब बताइए। अब देखिए यहाँ पे सूर्य है, अब उसकी ये राहु की महादशा सितंबर में खत्म हो रही है और गुरु की महादशा शुरू होगी, बराबर है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्यारहवें भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा शुरू हो रही है, तो वो एक्टिव होने वाला है, बिल्कुल लाभ भाव एक्टिव होगा, बराबर है, गुरु की दशा चालू होने वाली है। हाँ हाँ बराबर है, तो गुरु वो एक्टिव होगा जी। अब आप देखिए वो सूर्य है, हाँ। अब ये सूर्य का गोचर जहां भी जाएगा वो उसके लिए अच्छा रहे, क्योंकि यहाँ गुरु उच्च का है, हाँ। मंगल नीच का है, गुरु उच्च का है, बिल्कुल ठीक है, बराबर है। और हाँ। और मंगल अस्त है यहाँ पे, हाँ। और सूर्य, हाँ सूर्य से अस्त है, गुरु अस्त नहीं है। अब ये गुरु की जो दशा शुरू होगी और उसमें सूर्य की जो आप जैसे बता रहे ट्रांजिट, सूर्य का जो भी गोचर रहेगा वो कैसा रहेगा फिर? हाँ अब मैं वही बता रहा हूँ आपको, अब क्वेश्चन समझ में आया दरअसल मेरे। देखिए अब ये है क्या, पहले तो ये देखिए कि सूर्य आपका दशा में पीड़ित है नहीं, सूर्य अभी पीड़ित है क्या आपका इस कुंडली में? इस कुंडली में तो मंगल के साथ है बस उतना है, तो लेकिन वो गुरु के साथ भी है तो अच्छा ही है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। कुंडली के मारक ग्रह हैं सूर्य, तो सर मारक थोड़ी 12th सूर्य मारक है सर इस कुंडली में, क्यों मारक क्यों है सर? 12वें घर के स्वामी है। नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे 12वें घर का मारक स्वामी मतलब सीधा केतु की दृष्टि है उस पे, बस गुरु साथ बैठा हुआ है, एक केतु नवी दृष्टि से देख रहा है खाली, और मंगल है, गुरु साथ में है, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है। सूर्य मतलब कोई आपका 1.5 है षटबल के अंदर, पीड़ित नहीं है सूर्य, वही तो सबसे पावरफुल वही है, तो मैं वही आपसे बोल रहा हूँ ना, तो जब भी आपका सूर्य गोचर करेगा, अब सूर्य मान लिया ग्यारहवें भाव में ही गोचर कर रहा है आपके, ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहा है और ग्यारहवें भाव की दशा है, तो सूर्य आपको ग्यारहवें भाव में नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब वो जिस जिस भाव में जाएगा वहां आपने जैसे बोला ना कि वो जैसे उसका ट्रांजिट होता है, अगर सूर्य पीड़ित होता बहुत ज्यादा, हाँ, सूर्य पे 2-3 पाप ग्रहों की दृष्टि होती और सूर्य नीच का होता यहाँ पे, तो हाँ, सूर्य जिस जिस भाव में जाता अगर वो भाव दशा में एक्टिव है तो उस भाव की हानि करता। अब यहाँ पे मंगल मान लीजिए, मंगल का होता सूर्य की जगह पे हम मंगल ले ले, मंगल ले लीजिए, हाँ, तो फिर अब देखिए मंगल सूर्य के साथ है और नीच राशि में बैठा हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि पीड़ित है मंगल, हाँ बराबर है, षडबल में भी कोई ज्यादा नहीं है, नहीं तो है, अब नहीं। मंगल जो है जिस भी भाव में जाएगा, मान लो मंगल लाभ भाव में ही जा रहा है, इसी लाभ भाव में, और लाभ भाव हमारा एक्टिव है, ठीक है, तो मंगल जितने टाइम लाभ भाव में रहेगा 20-25 दिन 30 दिन उस टाइम तक वो थोड़ी उसके अंदर लाभ भाव में थोड़ी हानि करेगा, कमी मतलब कमी लाएगा अच्छा उतने टाइम तक, जब वो दूसरे भाव में चला गया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उस भाव की तो दशा ही नहीं है आपका। अच्छा। देखिए दशा होनी बहुत जरूरी है। ओके, ओके। मेरा हाँ। एक क्वेश्चन आ गया सर यहाँ पे, हाँ, मान लीजिए अगर मंगल की ही अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो और मंगल हाँ। यहाँ पीड़ित है तो जिस जिस भाव में जाएगा तो वहां पे भी हानि करेगा ना? वो तो खैर वो तो वैसे ही ऑब्वियस है, उसमें तो कोई बात नहीं है, वो तो वैसे ही ऑब्वियस है, उसमें तो कोई नहीं है, लेकिन अभी हम ये इसकी बात कर रहे थे ना जो भाव सिद्धि काल वाला यहाँ पे था। हाँ, हाँ, हाँ। सर ये नीच के जो मंगल हैं इनके साथ में ऊंच के गुरु बैठे हैं, तो सर ये मंगल का नीच मकर योग नहीं बन गया सर यहाँ पे? मंगल तो यहाँ शुभ हो गए, नीच भंग होगा, लेकिन उसका थोड़ी वो नीच भंग हो गया तो मंगल तो शुभ नहीं बन जाएंगे ना, वो तो वो शुभ थोड़ी बनेंगे, नीच भंग होगा, नीच मकर योग तो बनेगा नहीं ना, नहीं नीच भंग वगैरह को जो है ना गोस्वामी साहब थोड़ा सा ना अभी एक माइंड से ये चीज निकाल दो कि नीच भंग ये कोई राजयोग होता है या क्या होता है, ये कोई राजयोग नहीं होता, नीच उसके नुकसान ही कम होगी, थोड़े नुकसान थोड़ा कम होता है और कुछ नहीं होता, और बाकी कोई फायदा ऐसा थोड़ी है कि वो उसको वो मल्टी मिलियनर्स बन जाएगा, उससे वो नहीं होने वाला है आप। और दूसरा क्या है कि दूसरा
जो भी आप जो बता रहे हैं राजयोग के लिए उसका लग्न लग्न और लग्नेश दोनों बलवान होने भी मजबूत होना चाहिए। हाँ यहाँ पे लग्नेश इतना बलवान नहीं है। चलिए खैर वो तो आप नीच रज भंग राजयोग की बात मत ज्यादा सोचिए, वो बहुत छोटी चीज है कि नीच भंग हो गया राजयोग हो गया, वो चीज ज्यादा ध्यान देना नहीं है इसके अंदर। लोग जो है यूट्यूब पे ज्यादा इन चीजों का ज्यादा वो करते हैं बहुत ज्यादा प्रचार, क्योंकि ये किसी साहब आपका तो नीच भंग राजयोग हो गया आप तो बस माला माल हो गए, बंदा खुश हो जाता है। नीच भंग का मतलब ये है कि थोड़ा उसकी पीड़ा में कमी आ गई। हाँ बस वही होता है सर। हाँ बताइए, अगर कोई पीड़ित ग्रह है तो उसका षटबल ऑटोमेटिकली कम होगा ना? जरूरी नहीं है। कांचा स्वस्ति का बोल रहे हो सर? अच्छा स्वस्ति का। हाँ जरूरी नहीं है कि पीड़ित ग्रह है तो षटबल में वो षटबल कम होगा उसका, वो एक बली ग्रह भी पीड़ित हो सकता है। देखिए ऐसा है, अब सूर्य मान लिया आपका दसवें भाव में बैठा है, मान लो सूर्य आपका ये यहां ना होके दसवें भाव में होता या मंगल यहाँ ना होके दसवें भाव में होता, तो सूर्य मंगल दसवें भाव में दिग्बली होते हैं, ये मालूम है आप लोगों को? हाँ बराबर। हाँ तो सूर्य मंगल जब यहाँ पे दिग्बली होंगे तो उनका बल बहुत ज्यादा होगा, एक षष्ठ्यांश बल उन्हें पूरा मिल जाएगा, एक रूपा सॉरी वन रूपा मिलते हैं, 60 षष्ठ्यांश बल बोलते हैं, एक रूपा बल उन्हें पूरा मिल जाएगा, तो सूर्य का षटबल में तो बल बहुत आ जाएगा क्योंकि वो दिग्बली होकर बैठा हुआ है। मान लो और वो क्या नाम है आपका, दिग्बली होकर बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है और मित्र नवांश में बैठा हुआ है, तो बलि तो बहुत हो गया, क्योंकि षटबल तो निकालने के लिए आपको राशि भी देखनी है, आपको नवांश भी देखना है, सब चीज देखनी होती है, डिफरेंट वर्ग चार्ट भी देखने होते हैं आपको कि डिफरेंट वर्गों में कैसा बैठा हुआ है वो। तो अब 10 वर्ग मान लिया आप देख रहे हैं, 10 वर्गों में सूर्य अच्छा बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, मित्र नवांश में बैठा हुआ है, लेकिन कुंडली के अंदर वो पीड़ित है, वो 2-3 पाप ग्रहों से ग्रस्त है, तो हम ये तो कहेंगे पीड़ित है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बलि नहीं है, क्योंकि बलि तो वो है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका दसम भाव में बैठा हुआ है और बाकी सारे वर्गों में अच्छे भाव में बैठा हुआ है, तो षटबल में तो उसका बल आ रहा होगा खूब, लेकिन पीड़ित होगा वो इसलिए क्योंकि वो पीड़ा पहुंचा रहे हैं लोग, मतलब पीड़ा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चक्कर होता है। वो एक ही चार्ट में पीड़ित है जो कि मेन D1 चार्ट है, बाकी चार्टों में अच्छा है, इसलिए बल ज्यादा हो गया, इसलिए बल ज्यादा हो गया उसका, वो आपको एक ही चार्ट में लग रहा है खाली, बाकी जो वर्ग चार्ट है सारे उसके उसमें वहां मालूम चलेगा कि आपको सेम नवांश में है या अपनी राशि में है, स्वय राशि में है, मित्र राशि में है, इस तरीके से आपको मालूम चलेगा, या दिग्बली होकर बैठा हुआ है या दिन का समय है, क्योंकि दिन का समय होता है जन का तो सूर्य जो है ज्यादा बली होता है, तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं षटबल के अंदर, ये सारे फैक्टर्स लगा के जब षटबल बनता है, तो जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह पीड़ित हो, तो इट मीन्स डजंट मीन, होता है नॉर्मली षटबल में कम होता है, पर ऐसा नहीं देखा सोचना चाहिए कि बिल्कुल 100% ऐसा होगा ही होगा। ठीक है। सर अभी जो आपने उस ये अभी जब खुला ही हुआ है तो आपने जो लास्ट अभी पीछे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि किसी का देखना है कब संतान होगी या कब घर लेंगे या कब ये करेंगे, तो वो आप वो प्लेनेट का अभी जो आप समझा रहे थे बराबर है कि फोर्थ भाव लग्नेश और वो, तो इसमें मान लीजिए कि ये कुंडली है और ये बंदा आके हमको पूछता है कि मुझे बाहर जाना है, बराबर आपने जो बोला ना कि तब वीजा अप्लाई किया हुआ है कि नहीं, ये आके पूछ, क्योंकि अभी का क्या है बहुत सारे मतलब 70% लोग यही पूछते हैं या शादी या बच्चे या बाहर कब जाएंगे, है ना, तो मान लो कि ये कुंडली है और ये हमको पूछते हैं तो हम इसको किस तरह से जज कर पाएंगे? अब ये पूछना चाह रहा है कि मुझे याद बाहर, ये बाहर बाहर कब जाएंगे ये पूछना चाह रहा है, ये जातक ये पूछ रहा है हमको, ये पूछ रहा है कि बाहर कब जाएगा, ठीक है ना? हाँ। अच्छा इसके क्वेश्चन हो सकते हैं कि जी मैं बाहर कब जाऊंगा, नंबर वन, दूसरा ये कि जी मैं बाहर ऑलरेडी हूँ, मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, मेरी पीआर कब मिलेगी, नंबर टू, ये क्वेश्चन भी इसका हो सकता है, हो सकता तो अभी है। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि विदेश ये एजुकेशन के लिए जाएगा तो कब जाएगा। हाँ अच्छा, अब उसका सबसे पहले तो हमें विदेश में एजुकेशन का योग भी देखना हो कुंडली में होगा, चाहे एजुकेशन चाहे जॉब चाहे कुछ भी वजह से वो बाहर कुछ भी हो कुछ भी बाहर जा सकता है, ठीक है, मतलब वो बाहर का योग है कि नहीं पहले तो वो हम देखेंगे, वो तो हम देख लेंगे, फिर ये है कि 12th भाव के हमें शुभ फल चाहिए ना बेसिकली, 12th भाव का शुभ फल चाहिए कि बाहर कब जाएगा, तो 12th भाव के शुभ फल के लिए मैंने बताया कि आप ये देखेंगे कि 12वें भाव का स्वामी, ये जो 12वां भाव कौन है आपका, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है, ओके लाभ में बैठा हुआ है,
लाभ में बैठा हुआ है, चार नंबर लाभ छोड़ दीजिए, चार नंबर राशि में बैठा हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब बृहस्पति चार आठ या बारह नंबर राशि में आएगा तो वो इंसान का वो गोचर में होगा, गोचर गोचर में जब ओके ओके हाँ तब वो कार्य सिद्ध होगा, तब वो बाहर जा पाएगा, तब बाहर जा पाएगा, तब कार्य अच्छा होगा उसका। ओके ओके, तो शादी के लिए भी वैसा देखना पड़ता, सपोज इसका शादी का दिन हो तो जब बृहस्पति घूमता हुआ जब वो 12 नंबर राशि में आएगा हाँ तो शादी होगी, तो शादी होने के चांसेस है, शादी होने के चांसेस है, बशर्ते सब्जेक्ट टू के वो भाव आपका एक्टिव होना चाहिए। हाँ, वो ऑब्वियस वो तो समझ गया मैं। अब जैसे इसका ये है तो यहाँ ये हम देख रहे हैं तो फोर्थ ये जो अभी नेक्स्ट उसमें उसका गुरु की महादशा शुरू होगी तो वो 11th हाउस एक्टिव हो जाएगा, उसकी महादशा शुरू हो रही है। हाँ। अब जब बृहस्पति घूमता हुआ चार नंबर राशि में आएगा जब तब उसके जाने के चांस हो जाएंगे, चांसेस तो सिर्फ बृहस्पति, तब सिर्फ बृहस्पति से ही वो होगा या दूसरे कोई प्लैनेट भी इस तरह से जैसे सन सूर्य भी वहां पे आया। हाँ, तो आप देखिए ना भाव सिद्धि काल में अगर आप इन इन फलों को एज ए शुभ फल ट्रीट कर रहे हैं कि भाई आप जाना चाहते हैं और ये बारह बाबा का शुभ फल है तो आप बृहस्पति से लीजिए उसको सीधा सीधा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बीच में क्या है, भाव सिद्धि काल को ना दशा आ गई, अब ये मत सोचिए आप कि भाव सिद्धि काल एक ही बार बनेगा, दशा के अंदर हो सकता है दो बार बन जाए, वो तो डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट्स ना, कौन सा हम गुरु देख रहे हैं तो वो तो एक साल में घूमेगा, एक बार आएगा अगर हाँ। हम लग्नेश और भावेश देख रहे हैं या लग्नेश हमने फिक्स कर दिया जैसे हाँ। सपोज कीजिए हमें 11वें भाव 12वें भाव का रिजल्ट चाहिए तो 12वें भाव का स्वामी है सूर्य, हमने सूर्य को लग्न बना दिया हाँ। हमने इसको 12वें भाव को फिक्स कर दिया, फिर हमने कहा हाँ। कि हम देखेंगे कि लग्नेश जब गोचर में इसके त्रिकोण में आए या सातवें सम सप्तक में आए, लग्नेश कौन बना हमारा सर, ये तो 11वें का लग्न बन गया सर। हाँ तो सूर्य लग्न बनाया ना, सूर्य से तो 11वें का ही बनेगा, सूर्य का लग्न बन गया ना सूर्य हाँ, जहाँ बैठा है ठीक है ठीक है हाँ। तो लग्नेश हमारा है बुध हाँ, लग्न का स्वामी हमारा बुध है, बुध है तो हाँ तो बुध यहाँ पर आ जाए और कारक हमको शनि देखना पड़ेगा ना फिर, यहाँ तो 12th का तो कारक स्थिर कारक शनि है ना, शनि है शनि है, या शनि देखने का या यहाँ का इसका देखने का, तीन चार नियम है ना मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, एक चीज दोबारा से सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये सवाल जो है। पहला तो चीज ये है कि आपको भाव सिद्धि काल देखना है तो भाव सिद्धि काल देखने के मैंने आपको पांच नियम तो वो बताए हैं ठीक है, वो नियम तो याद रखिए, पांचों नियम आपको लगा देंगे तो वो वही वही हम लगा रहे हैं ना सर, वही मैं इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल से हम बराबर समझ सकते हैं सर। एक बार सुन लीजिए ना थोड़ा कर लीजिए, अब है क्या कि हमने पहले देखो कुंडली आप देखो, ये कुंडली आपकी इस तरह से बनी हुई है, अब ये बच्चा हमारे पास आता है आकर पूछता है जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ तो मैं बाहर जा पाऊंगा क्या, ठीक है ना, तो हमें इसका दशा देख लिया कि 12वां भाव इसका एक्टिव है या नहीं, पहली चीज तो ये सर, पहले तो प्रॉमिस देखना पड़ेगा ना कि प्रॉमिस है कि नहीं, वो तो ठीक है प्रॉमिस के लिए दशा ही देखनी पड़ेगी ना okay. एक तो भाई प्रॉमिस के लिए आपको दशा देखनी पड़ेगी ना कि दशा एक्टिव है तभी तो उस भाव के रिजल्ट आपको मिलेंगे, अगर दशा नहीं, नहीं, नहीं मतलब मेरा उस क्या कहने का मतलब है कि मान लो कि ये हाँ योग में योग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जैसे इसका तो लग्न इसका लग्नेश 12th में गया हुआ है तो उस यार मतलब वो 12th और फर्स्ट का रिलेशन या ऐसा कुछ जो होता है तो वो तो है ही है, वो तो हाँ, वो तो पहले की बात है, वो तो सारी हाँ, कंडीशंस ऐसी हैं जो पहले करनी है आपको हाँ, मतलब अब मान लो इसका तो है, अब कोई बंदा आके मुझे बोलेगा लेकिन उसका लग्नेश जाके 4th में बैठा हुआ है हाँ, वो तो अपने होमलैंड से चिपका रहेगा बिल्कुल। तो देखिए बाहर जाना देखो दो चीजें हैं मैं आपको बताऊं, आप ये एक चीज में ध्यान रखिए, बाहर जाना और बाहर सेटल होना ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से ओके। बाहर सेटल होने में आप देखेंगे कि आपका चौथा घर थोड़ा पीड़ित होना चाहिए या लग्नेश 12वें भाव में बैठा हो या 5वें 7वें का संबंध हो या 5वें 9वें का संबंध हो हाँ। इस तरीके से संबंध आपको देखने पड़ेंगे या 8वें 12वें का संबंध हो या 9वें 12वें का संबंध हो, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी ओके। वो विदेश दिखाती है, अब आपका एक बंदे ने विदेश जाना है
तो विदेश जाना आज के जमाने में, आज की देशकाल परिस्थिति में ऐसा नहीं है। आज के जमाने में तो यही है, जैसे हम लोग मेरठ जाना चाहते हैं, बस पकड़े मेरठ चले गए, चलो सिंगापुर चलना है, फ्लाइट पकड़ो सिंगापुर चले गए। तो उसके लिए आपको मतलब ये देखने की जरूरत नहीं है कि विदेश योग है या नहीं। कोई सेटल की बात करता है तब आप देखो विदेश योग है या नहीं। ओके, तो ये सेटलमेंट वाला पोजीशन बन रहा है, जैसे ये सेटलमेंट वाला पोजीशन है इस केस में। हाँ, और मतलब ये लग्न कुंडली से एट अ फर्स्ट ग्लांस हमको ये लग रहा है कि ये बाहर जाए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कब वो भाव सिद्धि काल वाला तब अप्लाई करेंगे हम। कब अप्लाई करेंगे कि बारहवें की दशा जब आएगी तब हम भाव सिद्धि काल वाले पांचों नियम अप्लाई कर लेंगे। जौन सा नियम फिट होता है तो वो वाला भाव, वो वाला टाइम जो होता है, दैट विल बी द गुड टाइम, या उस टाइम में वो जा सकता है। तो सर वो थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन कर पाएंगे तो कंफ्यूजन जो निकल जाएगा कि वो जो अपने जो पॉइंट्स है वही बता रहा हूं मैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट था, देखिए ये भावेश जिस राशि और अंश में, मैं बोलता हूं ऐसा है तो पॉइंट, हां ये पहले हम भावेश, हां बोलिए बोलिए। भावेश जिस राशि और अंश में हो उससे त्रिकोण में गोचर वश जब लग्नेश आवे। अच्छा, तो भावेश कौन सी राशि में है जो बारहवें भाव का स्वामी है, वो चार नंबर राशि में है। हाँ, तो इसके त्रिकोण में, इसका त्रिकोण कौन सा हुआ, आठ नंबर और बारह नंबर। हाँ ठीक है, या तो आठ नंबर राशि में, हाँ, या बारह नंबर राशि में। हाँ, गोचर का लग्नेश आए, गोचर का लग्नेश, यहाँ देखिए देखिए लग्नेश कहाँ पर है, बुध कहाँ पर है, दो नंबर राशि में है। हाँ, तो ओके, आठ नंबर राशि में या बारह नंबर राशि में बुध यहाँ आता है तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू गो। ओके ओके, अच्छा पहला नियम तो ये हो गया। अच्छा दूसरा, दूसरा है बोलता हूं मैं, लग्नेश जिस राशि में और अंश में है उसमें या उससे त्रिकोण में जब गोचर वसा है, जैसे आपने भावेश लिया, अब लग्नेश मतलब बुध, अब लग्नेश फिक्स कर लेंगे। तो लग्नेश कौन है, बुध है आपका। हाँ हाँ, तो बुध किस राशि में है, पांच नंबर राशि में है। हाँ, तो पांच नंबर राशि में या इसके त्रिकोण में, यानी एक पांच नौ में कौन आए उस राशि में, सूर्य आए, सूर्य आए, भावेश आए, यानी सूर्य भावेश आए, एक पांच नौ में भावेश आए तो उसका जाने का टाइम होगा, भाव सिद्धि काल है उसका। ओके ओके, फिर जब लग्नेश और भावेश गोचर वश एक दूसरे को, वो तो आपने बताया सामने, जब लग्नेश और भावेश गोचर वश एक दूसरे को देखे या एक दूसरे से युक्त, मतलब सम सप्तक वाला, वो समझ में आ गया था। ओके, फिर फोर्थ जो है, जब कारक भाव कारक और गोचर उस स्थान में आवे जहां जन्म कुंडली में लग्नेश या चंद्रमा राशि का स्वामी। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए भाव हमने बताया, जैसे यही कुंडली है आपकी सेम। ठीक है, अब उसका प्रश्न भी वही है बाहर जाने का। अब हमें देखना है कि हमारा जो नियम है वो ये कहता है कि जो हमारा भाव कारक, भाव कारक, भाव कारक कौन है हमारा, शनि। शनि, हाँ, तो क्या नियम बोलता है हमारा, भाव कारक गोचर वश उस स्थान में आए जहां जन्म कुंडली में लग्नेश, जन्म कुंडली में लग्नेश कहाँ पर है, कौन सी राशि में है, सूर्य की राशि, फिफ्थ, पांच नंबर राशि में, पांच नंबर। हाँ हाँ, तो शनि घूमता हुआ जब फिफ्थ यहाँ पे आए, ट्वेल्थ में आए, त्रिकोण में भी होगा ना उसके। हाँ ना, यहाँ पे आए, इतना ही, त्रिकोण नहीं लिखा है आपने, जब भाव कारक गोचर वश उस स्थान में आए जहां जन्म कुंडली में लग्नेश या चंद्रमा राशि का स्वामी हो। अच्छा ठीक है, और चंद्र राशि का स्वामी कौन है, बुध। बुध, तो या तो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, मतलब नीचे, या दस नंबर, बारह या दस नंबर वाला, मतलब तीन और पांच में जब शनि आएगा तो आपका, तो वो भी चांस होगा आपका, वो भी चांस होगा आपका। ओके, और फिफ्थ है, जब लग्नेश गोचर उस भाव में आवे जिस भाव संबंध विचार करना हो, मतलब ट्वेल्थ में जब लग्नेश आए तो लग्नेश जो आएगा, हाँ, गोचर वश बुध जब वो ट्वेल्थ में आए तब जाने के चांस बनेंगे, तब जाने के चांस बनेंगे अगर बारहवें या चंद्र लग्न से भी इस प्रकार देखे तो, यानी बिल्कुल, फिर चंद्र को लग्न बना के, फिर चंद्र को आप लग्न बना लीजिए और चंद्र लग्न से भी ये पांचों नियम आप देखेंगे, ये पांचों नियम लगन। वैसे नॉर्मली ऐसा ऐसा स्थिति आती नहीं है कि आपको चंद्र लग्न से देखना पड़े, आप लगन से ही बना के सारे नियम देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक, अपना आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ये क्लियर हो गया सर, एकदम परफेक्ट क्लियर। हाँ, एकदम परफेक्ट सर। वो लास्ट पॉइंट में हमने 12 क्यों देखा था, एक बार फिर से बताएंगे, मेरा कनेक्शन, एक सेकंड एक सेकंड, कौन सा वाला बोल रही हो कांशा,
सर जो लास्ट पॉइंट आपने बताया हमने 12 देखा था ना, 12 नंबर राशि जो आखिरी पांचवा सूत्र है, 12 नंबर एक बृहस्पति वाला जो बोला था, आई थिंक जो डिसाइसर लास्ट वाला पॉइंट आप एक बार पढ़ दोगे, आपके पास स्लाइड्स होती हैं। हाँ मैं सब प्रिंट लेके रखता हूँ, एक मिनट मैं पढ़ देता हूँ। जब लग्नेश गोचर उस भाव में आए जिस भाव संबंध विचार करना है, जैसे अभी क्या आकांक्षा स्वस्तिका जी पूछ रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ मान लो हमको फॉरेन सेटलमेंट का या फॉरेन जाने का देखना है ना, इसलिए 12th नंबर, क्योंकि वो फॉरेन मतलब 12th हुआ, बराबर है। तो लग्नेश गोचर जब 12th में जाएगा, गोचर का बुध जब वो वहां 5 नंबर में जाएगा, तो उसके चांस बनेंगे ऐसा। ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा दूसरा यही चलते हैं। अच्छा ये तो पॉइंट हमने बताया था, इसी प्रकार से क्या होता है, एक क्वेश्चन रहेगा, हाँ इसी कुंडली में देखना कैसे। हाँ सर एक क्वेश्चन है मेरा ये सर के अंबाना बरते की लगन की कुंडली है और उसमें पांचवे भाव में शनि बैठे हैं, 12 नंबर राशि में मीन राशि में वृश्चिक लग्न में 12वें भाव में शनि बैठे हैं और गुरु दशम भाव में बैठे हैं 5 नंबर में सिंह राशि में, और सर गोचर में इस समय जो है शनि 4 नंबर में बैठे हैं लगन के अनुसार जो है चौथे घर में 11 राशि कुंभ राशि में चौथे घर में, और गुरु बैठे हैं 5वें घर में मीन राशि में, तो क्या सर इस जातक के घर के योग बन रहे हैं क्या? अब जोर दी सर वो ड्रॉ करेंगे तब ज्यादा पता चलेगा। हाँ ऐसे मालूम नहीं चलेगा, वो आगे आगे कुंडली आपकी ले लेते हैं तब पता चलेगा इस चीज के अंदर। जी सर आगे आपका सवाल ले लेंगे उससे आइडिया। जी सर जी सर। हाँ तो अब क्या है कि जिस ग्रह की अंतर्दशा हो जा रही है, अब ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि जन्म कुंडली में वो बलहीन है मतलब जन्म कुंडली में उसके पास बल नहीं है पीड़ित है, तो वो गोचर के समय जब भी अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में जा रहा होगा या सूर्य के पास होने से अस्त होगा तो उस समय पे लग्न से जिस भाव में होगा उस भाव का नाश करेगा, उस भाव में हानि लाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है कि शनि यहाँ पे 8वें भाव में बैठा हुआ है इस कुंडली के अंदर और अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है तुला राशि में, तो ये निर्बल हो गया, एक तो नीच राशि में बैठा हुआ है एक 8वें भाव में बैठा हुआ है, हो सकता किसी ग्रह से पीड़ित भी हो, मंगल मंगल से ग्रस्त हो, तो इसको हम मान्य मान लिया कि ये पीड़ित है। अब ये शनि जो है अब इस शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो अब ये शनि गोचर में जिस भी राशि में जाएगा, अगर सिंह राशि में जा रहा है तो ये इसकी शत्रु राशि है, तो शत्रु राशि होने के कारण ये इसका नुकसान करेगा, मतलब उस भाव के रिजल्ट देगा ना, उस भाव के रिजल्ट खराब करेगा। अच्छा अच्छा मतलब जो हॉस्पिटलाइजेशन है या अननेसेसरी एक्सपेंसेस है वो सब चीजें करेगा, वैसा करेगा या अपना जो कारकत्व है जो शनि का जो रिजल्ट है वो हाईलाइट करेगा। नहीं 12वें भाव का रिजल्ट गड़बड़ करेगा। ओके अच्छा 12वें भाव का रिजल्ट गड़बड़ करेगा, तो आपको ये देखना है कि जिस उसकी हानि करेगा या उसका खराब रिजल्ट देगा। हाँ उसकी हानि भाव की जो उसकी भाव के जो रिजल्ट है उनकी हानि करेगा। तो भाव के तो रिजल्ट बुरे हैं तो फिर बुरे का और बुरा हो जाएगा, मतलब नहीं नेगेटिव भी वो भी इट बिकम्स पॉजिटिव ना, तो खराब भाव के हानि हो रही है तो अच्छा ही है ना हमारे लिए। ना 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 ना, ना वो उस तरह से मत लगाओ, वो विपरीत रिजल्ट हो जाता है, वो खराब भाव का हानि का मतलब ये है कि और खराब हो जाता है, और खराब होगा। अच्छा और खराब होगा वो लगाइए खाली इसके अंदर। इसमें बस इतना ध्यान रखना है जैसे ये कुंडली है इस कुंडली में शनि जो है यहाँ पे नीच राशि का बैठा हुआ है और शनि यहाँ 8वें भाव में है तो हमने ये मान लिया शनि पीड़ित है। अब आ गई शनि की दशा। अब शनि लेकिन 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 सर एक मिनट, अब मान लो ये शनि लग्नेश है। हाँ तो हाँ तो कुछ अगर पीड़ित है तो पीड़ित है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना। नहीं लेकिन लग्नेश है तो वो थोड़ी आप देखिए ये काउंट ये क्या हुआ ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। मान लो लग्नेश जहां भी जाता है उस भाव की वृद्धि होती है। ठीक है वो बात बिल्कुल सही है आपकी, लग्नेश जहां जाएगा उस भाव की वृद्धि करेगा, लेकिन लग्नेश भी अगर आपका
नीच राशि में चला गया, सूर्य से अस्त हो गया या दो तीन ग्रहों से पीड़ित हो गया, तो पीड़ित तो कहलाएगा ही ना आपका लग्नेश। आप ये तो बोलोगे कि स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी, स्वास्थ्य में समस्या होगी इसके, क्योंकि वो लग्नेश पीड़ित हो गया। तो पीड़ित वाली बात यहाँ बात हो रही है कि अगर वो कोई ग्रह पीड़ित हो गया और पीड़ित होने के बाद वो अगर अपनी शत्रु राशि में या अपनी नीच राशि में जिस भी भाव में घूमेगा, 6-8-12 में चला गया सर अगर लग्नेश। हाँ हाँ, लग्नेश अगर 6-8-12 में चला गया तो सर देखिए, लग्नेश 6-8-12 में जाने से आप ये ध्यान रखिए कि लग्नेश का 6-8-12 में जाना इतना बुरा नहीं होता है। अब छठा आठवां ये बात तो मानते चलिए कि लग्नेश छठे आठवें बारे में आ जाएगा तो लग्नेश के रिजल्ट में हानि तो होगी, स्वास्थ्य में हानि होगी उसके अंदर, जरूर होगी स्वास्थ्य के अंदर, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, संघर्ष बढ़ सकता है उसका, क्योंकि छठा भाव संघर्ष का भाव होता है। अब लग्नेश छठे भाव में है तो आदमी की लाइफ में संघर्ष रहेगा, लग्नेश आठवें भाव में है तो आदमी की लाइफ में कलह पीड़ा रहेगी, लेकिन वो बहुत बढ़िया रिसर्चर बन जाएगा, वो बहुत बढ़िया रिसर्च कर पाएगा, वो बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन सकता है आठवें भाव की, क्योंकि वो आठवें भाव में चला गया तो आठवें भाव के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं लग्नेश उनको भी ले लेगा। तो आपको दोनों चीज लेके चलनी है, ऐसा नहीं खाली एक ही चीज लेके चलनी है, दोनों चीज लेके चलनी है। किसी भी भाव के स्वामी का छठे आठवें बारहवें भाव में जाना या किसी भाव में छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी का जाना थोड़ा हानि करता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, तो ये ध्यान रखिए। मकर लगन की कुंडली है, शनि छठे भाव में जाकर बैठ गए लग्नेश होकर, तो कैसे फल रहेंगे सर, शनि कैसे रहेंगे मकर लगन की कुंडली में, शनि अगर छठे भाव में जाकर बैठ गए। हाँ तो देखिए इसमें दो चीजें, आपके छठे भाव के फल तो इंक्रीज कर देंगे जी सर, छठे भाव के फलों को बढ़ा देंगे, आपको रोग से लड़ने की शक्ति देंगे, आपको ऋण से लड़ने की शक्ति देंगे, आपको आपको क्या नाम है कंपटीशन में सक्सेस करने के लिए पूरा काम कराएंगे, क्योंकि लग्नेश भाव की आके वृद्धि करेगा जी सर। लेकिन लेकिन आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है जी, क्योंकि छठे भाव में चला गया आपका जी, दुश्मन भी बढ़ सकता है ना सर। हाँ बढ़ सकता है, लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति आपको देगा। हाँ, ओ, जी वो सब चीजें आपको, वो डबल चीजें आपको देखनी है इसके अंदर। अभी कुंडली जब कुंडली एनालिसिस करेंगे तब आपको बताएंगे सारी चीजें ये वाली, अभी कुंडली एनालिसिस करना चालू करेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि एक क्लास में कुंडली एनालिसिस ही करा करें बैठ के, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा। थ्योरी तो खत्म होने वाली है, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा है, तो फिर हम चलते हैं कुंडली एनालिसिस के ऊपर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है, लगन से गोचर के बारे में जो मैंने दिया हुआ है इसके अंदर। इसके बाद अच्छा, आप देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप पॉइंट्स में मैं आपको बता रहा हूं इन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये वाले। दशानाथ से किन किन स्थानों में चंद्रमा गोचर वश आता है तब शुभ फल करता है, अंतर दशानाथ, दशानाथ जहां मैंने लिखा है इसको अंतर दशानाथ मान लीजिए कि अंतर दशानाथ से किन किन स्थानों में जब चंद्रमा गोचर में आएगा तब अच्छा फल करेगा। यानी आपने अंतर दशानाथ जिस राशि में है उसको लगन बना लिया और फिर उससे गोचर चेक कर लिया। अंतर दशानाथ जिस राशि में है, अगर अंतर दशानाथ चौथे नंबर की राशि में है, चार नंबर की राशि में है, तो आपने चार नंबर को लगन बना लिया और वहां से चंद्रमा गोचर में देखा कहां कहां आया आपका जी। तो जब वो अंतर दशानाथ की उच्च राशि में होगा चंद्रमा, या उसकी मित्र राशि में होगा, या स्व राशि में होगा, या उससे तीसरे पांचवें छठे सातवें नवे दसवें और ग्यारहवें भाव में मित्र राशि या स्व राशि में हो, तो आपका कार्य सिद्ध होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई आपसे कहता है कि भैया मुझे तो अपने गवर्नमेंट ऑफिस जाना है, पीडब्ल्यूडी जाना है, मेरा बिल पास होगा या नहीं होगा, मेरा गवर्नमेंट के पास बिल अटका हुआ है बहुत ज्यादा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, तो मेरा बिल पास होगा या नहीं होगा, तो ये जरा बताइए मुझे थोड़ा देख के।
तो अब आप उसमें क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि भाई अंतरदशा किसकी है, अंतरदशा से भी नीचे आ जाइए, क्योंकि वो बिल पास होने की बात कर रहा है, वो एक दो दिन की बात ही कर रहा है, खाली दो तीन दिन की बात कर रहा है, तो प्रत्यंतर दशा पे आ जाइए। तो जहां प्रत्यंतर दशा आपकी है, जहां बैठा हुआ है, उसको आप लगन बना लीजिए। कुंडली में जहां पे प्रत्यंतर दशानाथ आपका बैठा हुआ है, उसको आप लगन बना लीजिए, और फिर वहां से चंद्रमा का गोचर देखिए, क्या चंद्रमा प्रत्यंतर दशानाथ जहां बैठा है वहीं गोचर कर रहा है, क्या चंद्रमा जहां प्रत्यंतर दशानाथ है उसके मित्र की राशि में गोचर कर रहा है, या उससे तीसरे पांचवें छठे सातवें नवे दसवें और ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहा है। अगर गोचर कर रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई आपका काम हो जाए। लेकिन सर चंद्रमा तो सवा दो दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी रिजल्ट कैसे क्लियर होंगे सर? हाँ तो ये जल्दी जल्दी भाव वाले का तो वाला रिजल्ट है ना, जहाँ जल्दी जल्दी आपने पूछना है कि भाई मैं कल जा रहा हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी जा रहा हूँ, तो मेरा मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा मेरा पीडब्ल्यूडी से, तो आप उसे बताओगे कि भाई चंद्रमा का गोचर देख के चंद्रमा तुम्हारे यहाँ यार इस भाव में बैठा हुआ है, ठीक है आप जा सकते हो, कल पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कल की बजाय परसों जाएगा, चंद्रमा चेंज हो गया, फिर नहीं मिलने वाला, तो वो तो ये क्वेश्चन जो है ये वाला आपका, ये जब ही है जब आप इंस्टेंटली कर रहे हो उस चीज को और आप पूछना चाह रहे हो, और ये जब ही चलता है कि आप इसमें बस इतना ध्यान रखिए। हालांकि फल दीपिका में थोड़ा सा एक इसके अंदर लिखा हुआ है, फल दीपिका में ये लिखा हुआ है कि दशानाथ से, देखिए इसमें तीन चीज लिखी है, दशानाथ की उच्च राशि में, ये इसका एग्जाम्पल बना के बताऊं क्या थोड़ा? हाँ सर। और सर ये भी बताइएगा कि प्रत्यंतर दशानाथ अगर कुंडली में अच्छे ना हो तभी भी ये फल मिलते हैं, अगर उनके उच्च राशि में या कहीं चंद्रमा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। उससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज का, कुछ चीजों का इनसे कोई लेना देना नहीं है सर। लेकिन मान लो कि गोचर में ये आप गोचर का देख रहे हैं बराबर है, हाँ। तो चंद्रमा का ये अच्छा वाला है, लेकिन सामने गुरु का या शनि का या किसी और प्लेनेट का बुरा गोचर है, जो अंतरदशानाथ है उसका गोचर नहीं अच्छा है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो फिर प्रेफरेंस किसको मिलेगा? आपको प्रेफरेंस जो है चंद्रमा गोचर को देना है, क्योंकि चंद्रमा गोचर इंस्टेंट काम के लिए होता है, वो सवा दो दिन रहता है एक राशि में। मतलब हमको ये देखना है कि वो काम कितने टाइम में हो रहा है, जैसे अब वो फॉरेन का था वो लंबा पीरियड वाला था, वो लंबा तो वहां पे हमको वो वाला देखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो कल होगा या नहीं होगा तो फिर एग्जाम का रिजल्ट कल डिक्लेयर होने वाला है, तो वो कैसा रहेगा? हाँ। वो फिर वो चंद्र के गोचर से देखेंगे, ऐसा वो चंद्र के गोचर से देखेंगे, या हाँ। फिर वीजा वीजा की अपॉइंटमेंट आपको कब लेनी है? कल हाँ, मतलब वीजा कल अपॉइंटमेंट है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी तो इससे मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी चीज आप उससे देखेंगे। ओके ठीक है। तो अब उसमें ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना है कि जितना सूक्ष्म रिजल्ट है आपका, देखिए आपका सबसे बड़ी कौन सी होती है, महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, फिर सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा चली जाती है, ठीक है ना। अब आपका काम ऐसा है कि भाई आपने कल ही की बात करनी है कि जी कल मेरा ये काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या कल मेरा वीजा लगने की डेट है, मेरा वीजा लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दशा ऐसी चाहिए जो मतलब दो तीन दिन के आसपास की हो। आप अगर उसमें अंतरदशा ले लोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि अंतरदशा तो आपकी एक साल की है या छह महीने की है। लेकिन चंद्र की अंतरदशा चलेगी तो वो तो तब भी कम ही रहेगी ना। हाँ तो उस केस में देख लीजिए आप, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए इंस्टेंटली कि आपको कल का रिजल्ट मालूम करना है या परसों का रिजल्ट मालूम करना है, तो कोशिश कीजिए आप अंतरदशा को तो बिल्कुल ना बनाए, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा को आप लगन बना लीजिए, जहां आपकी सूक्ष्म दशानाथ बैठा हुआ है या प्रत्यंतर दशानाथ बैठा हुआ है उसको लगन बना लीजिए कुंडली के। ओके। मैं कुंडली में ही दिखाता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक सेकंड, वहां से अच्छा रहेगा। जैसे सपोज कीजिए यहां चलते हैं,
ये देखिए, यहाँ पे कोई आदमी पूछता है आपसे किसी काम के लिए, राहु मंगल और केतु की दशा चल रही है उसकी, ठीक है, राहु मंगल केतु की दशा उसकी है, लेकिन ये दशा भी, ये भी दशा 22 दिन की है, 7 मई से स्टार्ट होकर 29 मई तक है। और कोई आपसे आके पूछता है कि जी मेरा कल ये काम है या मेरा परसों ये काम है, तो ये काम मेरा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो ये टाइम भी थोड़ा ज्यादा है, तो इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए। अब देखिए, अब ये 25 से 23-5 तक आ गया, 3 दिन की दशा रह गई खाली। ओके, तो कुंडली में जहां भी गुरु हो आपका, आप चले गए सूक्ष्म दशानाथ के ऊपर, तो गुरु जहां पर हो उसको लगन बना लीजिए। अब चंद्रमा देखिए गोचर का, ये तो आपने डीवन कुंडली का गुरु जहां था लगन बना लिया उसको, अब गोचर का चंद्रमा देखिए कि क्या चंद्रमा यहां पर ही गोचर कर रहा है, जहां पे गुरु बैठा हुआ है, लगन मतलब अंतर सूक्ष्म दशानाथ है वहीं गोचर कर रहा है, या इसकी मित्र राशि में कर रहा है, या इससे तीसरे पांचवे छठे सातवें नवे दसवें और बारहवें भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन राशि मित्र की होनी चाहिए, स्वर राशि होनी चाहिए या उच्च राशि होनी चाहिए, जो मैंने भाग लिखाए हैं, अगर उनमें गोचर कर रहा है तो आप इसे कह सकते हैं कि भैया आप जाओ, आपका काम बन जाएगा। जैसे सर अभी तो 10 नंबर राशि में है चंद्रमा, कुछ दिनों बाद 12 में चला जाएगा, तो इन्हें तब जाना चाहिए, वही है ना, जैसे गुरु रहने चाहिए ना प्रत्यंतर दशा के बाद सूक्ष्म दशा में, लेकिन वो 11 लाभ, लाभ उससे तो लाभ में कर रहा है, तो सर किससे लाभ में कर रहा है, नहीं उससे देखिए वो चंद्रमा गोचर जो है ना, जब आप चंद्रमा गोचर लगा रहे हो तो बाकी नियम को ताक पर रखो, बाकी नियम ध्यान मत रखो, चंद्रमा का गोचर में आपने लगाना है कि जिस राशि में अंतर दशानाथ या प्रत्यंतर दशानाथ या सूक्ष्म दशानाथ है उस राशि में गोचर कर रहा हो। आप जरा पढ़िए उसे देसाई साहब, कौन सा वाला, चंद्रमा वाला जो भाई पढ़ रहे थे हम, एक मिनट है मैं कॉल कर देता हूं, ओके, ये चंद्रमा जब गोचर वश नीचे गए सब, वो वाला सर कौन से में सुफल देता है वो वाला, हाँ 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 हाँ, जब चंद्रमा जब गोचर वश नीचे लिखे स्थानों पर होता है सुफल दिखाता है, तो दशानाथ के मित्र के घर में, हाँ बराबर है, दशानाथ जिस राशि में हो उस राशि में, अब देखिए ये देखिए गुरु है, पहले तो ये देखते हैं है ना, हमने गुरु को लगन बना लिया, गुरु की हमारी सूक्ष्म दशा है, और हमसे किसी ने पूछा है कि ये मेरा काम होना है, 2 दिन का टाइम है, इन 2 दिनों में मेरा काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ठीक है, तो हमने गुरु को लगन बना लिया। अब हम कहते हैं कि चंद्रमा या तो हमारा इस राशि में हो, ठीक है, पढ़िए आप, पढ़िए पढ़िए, दशानाथ के मित्र के घर में हो, या तो इस राशि में हो या दशानाथ का जो मित्र है यानी गुरु का जो मित्र है उस वाले घर में हो। ओके, गुरु का मित्र कौन सा होता है, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, या उनके घर में हो वो, हाँ चंद्रमा गोचर का चंद्रमा, हाँ गोचर का चंद्र, अभी जो मतलब जो 10 नंबर पे है वो, हाँ है ना, हाँ ठीक है बड़ा, हाँ उसके मित्र, फिर दशानाथ जिस राशि में उससे 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, हाँ, तो वही तो मैंने बोला ना यहाँ पे 11 उससे जो दशानाथ जहाँ है वहां से ये यहाँ से हमने दशानाथ, अच्छा यहाँ से देखना है, हाँ लगन बना लिया ना उसको, हाँ इसे 3, 5, 7, 9, 11 भाव देख लीजिए आप, हाँ तो अभी 10 में है तो 7 नंबर आया ना सर, हाँ उससे उसमें आप देख लीजिए तो काम बन जाएगा, ठीक है सर, लेकिन 10 नंबर तो, हेलो हाँ सर, लेकिन जो 10 नंबर है वो गुरु के दुश्मन की राशि है, हाँ सर, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक पॉइंट है ये वाला, उसकी मित्र राशि होनी जरूरी है जी, तो मित्र राशि नहीं है इसलिए काम नहीं होगा, तो काम नहीं बनेगा जी, तो अगला नंबर देखना पड़ेगा, अगला नंबर देखना पड़ेगा, तो सर काम दिनों बाद चंद्र आएगा, सॉरी तो काम तो तभी होगा जब वो 12 नंबर में जाएगा 2-3 दिन बाद, बिल्कुल तब उसको बोलिए कि भाई आप ये मित्र राशि में चला जाएगा तब आप काम करिए, लेकिन मजे की बात है कि तब तक गुरु की जगह कोई और सूक्ष्म दशा हो जाएगी शनि की, फिर उससे देखना पड़ेगा, उससे देखना पड़ेगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब कहने का ये है कि दशानाथ जहां है
उससे तीसरे पांचवें सातवें नवे दसवें ग्यारहवें जो भी भाव मैंने बताए हैं उसमें भी वो जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है जरूरी है कि वहां देख लो कि वो मित्र राशि में, सम राशि, शत्रु राशि में ना हो, नीच राशि में ना हो, उन भावों में वो जरूर ध्यान दे लेना चाहिए। आल्दो जो फल दीपिका है उसके अंदर ये चीज मेंशन नहीं की गई है, उन्होंने ये मेंशन किया कि दशानाथ जिस घर में है उससे तीसरे पांचवें सातवें नवे दसवें बारहवें ग्यारहवें भाव में अगर वो जाएगा तो फल की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको ये बताया कि इन घरों में जाने का तो आप रखिए, लेकिन साथ में ये भी रखिए कि अगर वहां पे सब्जेक्ट टू मित्र राशि है, स्वराशि है, उच्च राशि है या सम ग्रह की राशि है, शत्रु राशि नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो दशानाथ जहां बैठा है उस घर में, यानी इस घर में दशानाथ जो है उसकी उच्च राशि में, स्वराशि में, और दशानाथ से तीसरे पांचवें छठे सातवें दस ग्यारहवें भाव में जो दशानाथ के मित्र है या दशानाथ की स्वराशि है या दशानाथ की उच्च राशि पड़ती है या दशानाथ की सम राशि पड़ती है तो उन घरों में चंद्रमा जाएगा तो काम नहीं। तो सर हमको चंद्र का मित्र देख, जो जा रहा है उस चंद्र का मित्र देख, चंद्र जहां जा रहा है यहां जैसे अभी दशानाथ, नहीं नहीं अभी जैसे आप बताया कि चंद्र यदि मान लो कि अब दो दिन बाद मेरा दस नंबर में अभी जैसे चल रहा है, हाँ तो गुरु का मित्र नहीं है ना वो, मेरा दस नंबर गुरु का, शनि गुरु का मित्र नहीं है वो, हाँ अच्छा ओके, तो वो देखना है आपको कि दशानाथ का मित्र तो लेकिन मित्र नहीं है। लेकिन सर वो सम है, अभी आपने सम बोला, हाँ वो देख लीजिए, शनि शनि और गुरु तो सम बनते हैं, हाँ वो देख लीजिए आप, वो आप चेक कर लीजिए, वो तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ इसके अंदर कि वो आप चेक कर लीजिए। नहीं नहीं आप वो बराबर है, लेकिन अभी जैसे इन्होंने बताया ना कि वो तो उसका शत्रु हो गया इसलिए वो काम नहीं होगा, लेकिन काम होगा ना क्योंकि वो तो सम है, और सम है तो काम होगा ही। अगर अगर सम है मित्र है तो याद रखिए, क्योंकि ये सम मित्र जो है थोड़ा इनमें याद रखिए कि इनमें काम बनता है, अगर वो शत्रु राशि में है हाँ तो काम नहीं बनेगा, वो बुध या शुक्र की राशि में जो जाता चंद्र तो नहीं बनता, तो नहीं बनता, लेकिन चंद्र ही तो जा रहा है ना सर, हम चंद्र ही तो देख रहे हैं, चंद्र गोचर में जा रहा है हाँ। लेकिन गुरु के सम की राशि में या गुरु के मित्र राशि में या गुरु के उच्च राशि में जा रहा हो तो, गुरु के शत्रु हाँ। राशि में अगर वो जाएगा तो काम नहीं बनेगा, तो नहीं हाँ, तो भी गुरु की सम राशि में ही जा रहा है ना वो तो, हाँ सर। तो गुरु की शत्रु राशि तो सिर्फ शुक्र की हुई, फिर शुक्र की राशि उसकी शत्रु राशि है ना, शत्रु राशि शुक्र की राशि है उसकी शत्रु राशि, बुध की भी तो है, बुध की भी है, मेरे हिसाब से बुध उसकी शत्रु राशि आएगी, बुध शत्रु राशि है। पर ये बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है कौन सा मित्र है कौन सा, स्पेशली जो नहीं वो देख लीजिए वो मालूम चल जाएगा, एक बार देखो इसका एक चार्ट सर ने दिया था ना, वो चार्ट मैंने 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 वो आपको भेजा था ना, वो रेडी रेकनर जरूर फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें है जी, उससे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, हाँ तो वो देख लीजिएगा उससे मिल जाएगा, अदरवाइज टू बी प्रिसाइज ज्यादा अगर आपको देखना है थोड़ा बहुत ही ज्यादा मतलब 100% आंसर आपको सही रखना है तो आप वो लेके चलिए ना, जैसे मैंने आपको बताया था मूल त्रिकोण का वाला, एक दैत्यों ग्रुप हो गया, एक में आपके गुरु चंद्रमा मंगल और सूर्य आ गए, एक तरफ आपके शनि बुध राहु केतु और मंगल ये सॉरी शनि बुध राहु केतु आ गए, आपस में दुश्मन हो गए, ऐसे करके बस ध्यान रख लीजिए। तो गुरु शनि का अगर मित्र ना भी माने आप तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सम ही होगा, सम हो सम है। लेकिन अगर मान लिया आप बहुत ही प्रिसाइज होकर आंसर देना चाहते हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि भाई अभी रुक जाइए, गुरु का मित्र अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि ये गुरु का समय या क्या है, या तो मूल त्रिकोण राशि से निकालिए उसको फार्मूला लगा के, या याद होना चाहिए, लेकिन इस कुंडली के लिए यह जरूरी है कि शत्रु राशि में ना हो, दशानाथ जो है उसकी शत्रु राशि में चंद्र गोचर नहीं होना चाहिए बस, ओके। इसके बाद चलते हैं ये तो सिंपल पॉइंट है कि जिस ग्रह की दशा या अंतर दशा जा रही हो, जिस ग्रह की दशा या अंतर दशा जा रही हो, अगर गोचर में वो अपनी नीच राशि में चला गया या शत्रु राशि में जा रहा होगा, क्या अवस्था हो जाएगा, हाँ एक मिनट अभी एक सेकंड जरा सो बड़ा कर लेता हूं, हाँ
जिस ग्रह की दशा या अंतरदशा जा रही है, मान लो किसी ग्रह की अंतरदशा जा रही है, कोई ग्रह अंतरदशा है उसकी, ये जो अंतरदशा दशा या जो बात कर रहे हैं, इसको कोई भी दशा आप ले लीजिए, चाहे अंतर ले लीजिए, प्रत्यंतर ले लीजिए, जहां से आपको रिजल्ट देखना है वो दशा आप मान के चलिए। तो जिस भी ग्रह की दशा या अंतरदशा जा रही है, और अगर वो गोचर में अपनी नीच राशि में आ गया या शत्रु राशि में आ गया गोचर में, या सूर्य के समीप होने से अस्त हो गया, तो वह जिस भी भाव में जाएगा वह ग्रह कष्ट देगा। ऐसी स्थिति में वह ग्रह आपको कष्ट देगा। तो ये ध्यान रखिए, मान लिया शनि की अंतरदशा है और शनि गोचर में मेष राशि में आ गया, अपनी नीच राशि में आ गया, या शत्रु राशि में आ गया यानी सिंह राशि में आ गया, या सूर्य के पास आ गया, अस्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में शनि जो है उनको दुख देगा। जिस भाव के रिजल्ट मिलेंगे उस भाव के हानि होगी। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ जी सर। स्वस्तिका? जी सर। अच्छा ठीक है। सॉरी सर, एक बार मैं मिस कर गई, एक बार समझाती है। हाँ, मतलब ये है कि जिस भी ग्रह की दशा जा रही है या अंतरदशा जा रही है, सपोज कीजिए कि शनि की अंतरदशा जा रही है, अगर शनि गोचर में चेक कीजिए उसको, आप जिसकी अंतरदशा जा रही है उसको गोचर में चेक कर लीजिए कि शनि यदि गोचर में अपनी नीच राशि में घूम रहा है, या शत्रु राशि में जा रहा है, या सूर्य के समीप होने के कारण अस्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वह कष्ट देगा। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, शायद गई है स्लाइड, उसमें मैंने आपको बताया था कि सपोज कीजिए कि शनि आपकी दशा चल रही है और शनि आपका कुंडली में अनुकूल ग्रह है, शनि लग्न का मित्र भी है, सब कुछ है, तो जिस जो अनुकूल ग्रह है मैंने बताया आपको, उनकी दशा अच्छी जाएगी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, अनुकूल ग्रहों की दशा अच्छी जाती है। अगर वो अच्छी जगह पोस्टेड हों और लग्नेश के मित्र हों तो उनकी दशा अच्छी जाएगी। अब शनि को आपने देखा कि भाई वो केंद्र भाव में बैठा हुआ भी है और लग्नेश का मित्र भी है, तो दशा अच्छी जाएगी इसकी, तो आपने मान लिया दशा अच्छी जाएगी। लेकिन गोचर में शनि जो है वो अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है, या अपनी शत्रु राशि में जा रहा है, या सूर्य से अस्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में दशा जो अच्छी जा रही थी उसकी, उसके अंदर फलों में कमी आ जाएगी। समझ में आया ये वाला पॉइंट? जी सर। हाँ, स्वस्तिका समझ में आया? जी सर। अभी शनि की बात हो रही है तो शनि तो काफी टाइम तक रहते हैं एक भाव में, मतलब कोई भी ग्रह ले लो, हाँ। कभी ना कभी तो सूर्य वहां आएगा और वो अस्त होंगे, तो दशा में थोड़ा समय तो खराब होगा, फिर खराब होगा, बिल्कुल बिल्कुल खराब होगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें ये है कि मान लो किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा जा रही है और वो गोचर में अपनी स्वर राशि में या उच्च राशि में आ गया, ये इसका अपोजिट है, तो उस समय अच्छा फल कर देगा। अब वही हम ले लें, शनि केस ले लेते हैं या मंगल केस लेते हैं। मंगल किसी कुंडली के अंदर अनुकूल ग्रह नहीं है, लग्नेश का मित्र भी नहीं है, और छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा है, उसकी दशा आ गई। अब दशा उसकी आ गई तो हम कहेंगे भाई मंगल की दशा आ गई है, अब तो रिजल्ट बहुत खराब मिलना है, प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। लेकिन अगर वो गोचर में अपनी स्वर राशि में या अपनी उच्च राशि में आ गया या वक्री हो गया, तो उस समय वो फलों में जो अशुभ फल थे उनके अंदर कमी ला देगा, और अगर शुभ ग्रह की दशा थी तो शुभता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। ये वक्री हो गए हैं तो कैसे पता चलेगा कि ग्रह इस समय वक्री हो गए हैं या मार्गी हो गए हैं? वो तो वक्री तो आपका उसमें लिखा रहता है ना सॉफ्टवेयर के अंदर। जी, वैसे भी सूर्य जितने भी एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है, ये सूर्य से पांच घर आगे जाते हैं, पांच घर से आगे जाते जाते हैं, तो ये वक्री हो जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखो, सूर्य से कोई घर ग्रह छठे घर में शनि हो या छठे घर में बृहस्पति हो या छठे घर में मंगल हो, तो ये वक्री हो जाएगी। सर, वक्री ग्रह अच्छा फल देते हैं? वक्री ग्रह जो है उसमें एक चीज है, अगर वक्री ग्रह से उसका बल बढ़ जाता है, अगर कोई ग्रह, आपको सिंपल ये सिद्धांत याद रखना है इसके अंदर, वक्री के अंदर, और कोई सिद्धांत याद नहीं रखना, कहीं भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना। पहले तो चीज ये है कि आप वक्री पर ध्यान देना मत, फिर भी अगर आप ध्यान दे रहे हो वक्र पे, वक्रत्व पे, तो मैं आपको वो हिंट दे रहा हूं, बता रहा हूं कि जिस घर में कोई ग्रह अच्छा होता है, जिस घर में कोई ग्रह अच्छा हो, मतलब कोई घर में ग्रह बैठा है, अभी वक्री भूल जाइए उसका, गुरु लगन का स्वामी है, चौथे घर में बैठा है, लगन का स्वामी है, चौथे घर में बैठा है, तो लग्नेश होने से चौथे घर की वृद्धि करेगा, और वहां पर वो वक्री हो गया तो वो और वृद्धि करेगा, उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। अगर वो
अष्टम भाव का स्वामी है, मान लो गुरु, गुरु है अष्टम भाव का स्वामी, और वो केंद्र में आके बैठ गया या लगन में आके बैठ गया, सपोज कीजिए गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और लगन में आके बैठ गया, तो लगन में बैठने से एक तो उसने लगन का नुकसान कर रहा है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है तो लगन का नुकसान करेगा, और वहां पे भी आके वो वक्री हो गया तो ज्यादा नुकसान करेगा, वक्री होने से उसका बल बढ़ जाता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है उसका। यानी कि कुंडली में शुभ है तो वक्री में जो है और ज्यादा शुभता, और यदि कुंडली में अशुभ है तो वक्री अवस्था में और ज्यादा अशुभता अशुभता आ जाएगी। बिल्कुल सही समझे आप, ये इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है। सर जैसे मेरी कुंडली में वो नाइन्थ हाउस का स्वामी है और फिफ्थ हाउस में बैठा है लेकिन रेट्रो है। हाँ, स्वामी नाइन्थ हाउस का है ना? नहीं, एट्थ हाउस का स्वामी है। हाँ, फिफ्थ हाउस में बैठा है और फिफ्थ हाउस में जाके बैठा है और रेट्रो है। हाँ, तो ये अच्छा नहीं है, और ऊपर से जो उसकी दशा चल रही है। हाँ, तो वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो आठवें भाव का स्वामी आपके पांचवें भाव में चला गया, ठीक है ना, और दूसरा ऊपर से वो वक्री हो गया, तो वक्री होने से जो है ना वो वक्री शनि के साथ बैठा है और चंद्रमा के साथ बैठा है। हाँ, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम वाली दशा हो जाती है, तो इसलिए यह भी ध्यान रखना है, अगर कुंडली के हिसाब से ग्रह आपका अच्छा आ रहा है तो जिस भाव में बैठेगा या वक्री होगा तो उस भाव के रिजल्ट को अच्छा कर देगा, अगर वो वक्री होगा और कुंडली के हिसाब से अच्छा नहीं है तो वो और नुकसान करेगा, बस इतना ध्यान रखिए। तो इस केस में फिफ्थ हाउस रिलेटेड इश्यू आ सकता है, ऐसा केस में रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं, लेकिन वो भी जब उसकी दशा हो तब। दशा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दशा तो सबसे पहले जरूरी है। ओके, वो तो जरूरी है चीज है। ओके, अच्छा, अब इसमें ये दो पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ बैठ के। अब कोई किसी ग्रह की सुफल, कोई ग्रह सुफल देने वाला है, नॉर्मली होता है कि भाई ग्रह के सुफल हमें कब मिलेंगे, आपको लगता है कि भाई अब मेरी बुध की दशा आने वाली है या मेरी बृहस्पति की दशा आने वाली है या मेरी शुक्र की दशा आने वाली है, अब मुझे सुफल मिलने चाहिए, क्योंकि मेरा ग्रह जो है वो शुभ भाव में बैठा हुआ है और शुभ भाव का स्वामी है, लग्नेश का मित्र है, अनुकूल ग्रह की दशा है, जो हमने पहले पढ़ा है कि लग्नेश का मित्र है और अच्छे भाव में बैठा है, अनुकूल स्थिति है उसकी, अनुकूल ग्रह है, अनुकूल स्थिति है, तो हम कहेंगे उसकी दशा अच्छी है, तो जब उसकी दशा आएगी तो हम कहेंगे हमें अच्छे फल मिलेंगे। अब वो अच्छे फल मिलेंगे कब, वो वाली बात होती है, क्या वो अच्छे फल हमें डे वन से मिलने चालू हो जाएंगे, क्या वो अच्छे फल हमको लास्ट में मिलेंगे, क्या अच्छे फल हमें बीच में मिलेंगे, कब हमें अच्छे फल कब मिलेंगे, तो उसके बारे में, इसके बारे में ये कहा गया है कि जब किसी ग्रह की दशा हो और उसकी दशा चल रही हो, उसका सुफल का समय कौन सा होगा, तो वो ये देखना होता है कि जब भी उस अंतरदशा नाथ या जिसकी दशा चल रही है उसकी उच्च राशि में बृहस्पति आए या सूर्य आए, उसकी उच्च राशि में बृहस्पति या सूर्य आए तो उस भाव का अच्छा फल मिलेगा। ओके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में शुक्र जो है, इन्होंने दिया एग्जांपल लीजिए कि शुक्र शुक्रद है किसी कुंडली में, शुक्र आपका अच्छा है और उसकी अंतर्दशा चल रही है, अब शुक्र की उच्च राशि है मीन, तो ऐसी स्थिति में जब भी गोचर में सूर्य मीन राशि में आएगा या बृहस्पति मीन राशि में आएगा तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ओके, सुफल मिलेंगे। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा हमारे गुरुजी ने यह किया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने इसके अंदर उसको ले लिया है कि स्वर राशि या मित्र राशि में भी आए तो भी सुफल मिल जाए, शुक्र की उच्च राशि मीन है, ऐसी स्थिति में जब गोचर वश सूर्य मीन में आए, उच्च राशि में आए, मित्र राशि में आए तो भी फल मिल जाते हैं, ऐसा हमारे गुरुजी का कहना है। मतलब शुक्र की मित्र राशि ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके अंदर भी कहा हुआ है कि शुक्र की मित्र राशि में भी आ जाए तो भी फल मिल जाते हैं, लेकिन आप लेकिन ये तो एक मिनट सर, हाँ। लेकिन मान लो कि ये सूर्य या गुरु की वो शत्रु राशि है या उनकी नीच राशि है, तब शुक्र की, अब जैसे शुक्र की जो राशि है मान लो कि वो शुक्र के लिए अच्छी है, उसके मित्र की है या उसकी स्व राशि है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा,
देखिए इसको दोबारा से एक बार पढ़िए, इसमें लिखा है कि शुक्र आपकी कुंडली में शुक्रद है, शुक्र की दशा आ गई आपकी, और शुक्र को आप कह रहे हो कि ये दशा में शुभ फल देने वाला है और उसकी अंतर दशा चल रही है। तो शुक्र की जो उच्च राशि है यानी गोचर में उच्च राशि में सूर्य आएगा, उसकी उच्च राशि में सूर्य पहुंचे या बृहस्पति पहुंचे, ठीक है, या जो सूर्य है अगर उसकी नीच राशि में चला गया शुक्र की, या शत्रु राशि में चला गया, तब कष्ट होगा। ओके, तब कष्ट होगा। लेकिन वो शुक्र की आप बात कर रहे हो, शुक्र की नीच राशि में, बराबर है? हाँ, बिल्कुल शुक्र की नीच राशि में गया तो हाँ, जैसे मान लो कि इस तरह अब अभी ये देखने जाए तो सूर्य, लेकिन मेरा ये कहना है कि मानो कि ये तो आपने शुक्र का एग्जांपल दिया, तो कोई ग्रह ऐसा है कि जो उसकी मतलब वो जो प्लैनेट जिसके अंतरदशा चल रही है उसके लिए वो उच्च या मित्र राशि है, लेकिन वो सूर्य के लिए या कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ बस, क्योंकि उसके दुश्मन है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जो ग्रह चल रहा है ना उसकी बात है, जब वो नियम लगता है तो जहाँ नियम है बस उतना नियम लगता है। ओके 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 ठीक है, ओके, ये समझ में आया स्वस्तिक? आकांक्षा जी सर,